हो गया लाइव। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई थिंक पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग लास्ट पढ़ने वाले हैं, लास्ट पार्ट। इसके पहले एक पार्ट और है जिसमें ड्रिलिंग वगैरह पढ़ाया गया है, वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है और आई थिंक फ्री होगा। वहाँ जाके आप लोग वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है? बाकी मुझे किसी को और कुछ डाउट वगैरह हो वर्कशॉप में तो पूछ सकता है। किसी को और कुछ डाउट हो वर्कशॉप के रिगार्डिंग तो पूछ ले। ऑडियो वगैरह सही जा रही है? जरा रिप्लाई करिए, आवाज़ सही जा रही है? जिंटू रॉय, रहमत हुसैन, बताओ भैया जरा आवाज़ जा रही है? चलो ठीक है, आवाज़ वगैरह जा रही है, ठीक है, शुरू करते हैं आगे टॉपिक, ठीक है? ठीक है, ठीक है। देखिए, वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग अब बस लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है? बाकी सब हम लोगों ने कवर कर लिया है, सब लाइव वगैरह हो गया है। आप लोगों ने अगर क्लास नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। जितने लोगों ने क्लास नहीं देखा है वो सब क्लासेस वगैरह देख लीजिए। जो लोग लाइव रहे होंगे उनको पता होगा कि सारी क्लासेस वगैरह हो गई हैं, ठीक है? हाँ हाँ टाइम कम है, पता है हमको। टूल्स यूजेस बता दीजिए, फिटिंग शॉप, कारपेंटरी शॉप, बस बस वही होने वाला सर। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताइए। मैन्युफैक्चर ऑलरेडी बताया जा चुका है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज में ऑलरेडी बताया जा चुका है, लाइव में जाके देख लो। टूल यूजेस बता दीजिए, फिटिंग शॉप, कारपेंट्री शॉप एंड अदर, ठीक है? ठीक है, ठीक है। टूल यूजेस जल्दी आपको बताया जाएगा, बस नेक्स्ट वही चलने वाला है। और कुछ WMP 2021 ऑब्जेक्टिव सर करा दीजिए, ठीक है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो चुका है ऑलरेडी, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, ऑब्जेक्टिव हो चुका है। लाइव में आपको दिख जाएगा, इसी यूट्यूब चैनल पर ही दिख जाएगा आपको लाइव में, ठीक है? चलो देखते हैं। जो भी ड्रिलिंग वाला पार्ट है वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, वो वीडियो वहाँ पर जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना? हम क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। राइट शॉर्ट नोट ऑन पोरिंग इक्विपमेंट यूज इन फाउंड्री शॉप, ठीक है? टूल की बात हो रही थी, फिटिंग कारपेंट्री, देख लीजिए भैया यहीं पे है। कौन पूछ रहा था? विशाल कुमार। ऑलरेडी जो बताया जा चुका है, देखो हम उतना ही बता रहे हैं जो आपके PYQ में आया हुआ है, ठीक है? बाकी पूरा कोर्स आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगा, हम यहाँ पर सिर्फ PYQ डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है फिर भी। राइट शॉर्ट नोट ऑन पोरिंग इक्विपमेंट, पोरिंग इक्विपमेंट, देखिए ये कास्टिंग प्रोसेस की बात हो रही है। कास्टिंग प्रोसेस में जो पोरिंग इक्विपमेंट की बात हो रही है उन्हीं को हमें डिस्कस करना है, ठीक है? कास्टिंग ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जितना बेसिक में बता सकता था मैं कास्टिंग आपको बता चुका हूँ। मोल्ड कैविटी होगा, मोल्ड कैविटी में पैटर्न होगा, पैटर्न अलाउंस मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? देखिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होंगे फाउंड्री शॉप में। देखिए फाउंड्री शॉप में बहुत सारे इक्विपमेंट है, बहुत सारे इक्विपमेंट है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर उनकी बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ पोरिंग इक्विपमेंट होंगे, या फिर कास्टिंग में जब पोरिंग लिक्विड मेटल डाला जाता है उस टाइम पर क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सैंड की प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए, मतलब स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ाने के लिए, या फिर जो बेसिक इक्विपमेंट है कारपेंट्री शॉप के वो क्या क्या होते हैं, ठीक है ना? देखिए एज फाउंड्री शॉप इज वेयर मेटल कास्टिंग इज प्रिपेयर्ड बाई मेल्टिंग एंड पोरिंग द मोल्टन मेटल, ये लाइन आप कई बार पढ़ चुके हैं, मेल्टिंग एंड पोरिंग द मेटल, कास्टिंग का मतलब ही यही है, इनटू मोल्ड। सम कॉमनली यूज टूल्स फाउंड्री शॉप कौन कौन से हैं? सॉवेल, ट्रॉवेल, रिडल, रैमर, ड्रॉ स्पाइक, स्वैब, वेंट वायर। बेंट वायर, बेंट वायर यूज करते हैं, हमने बताया था आपको परमेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, परमेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए बेंट वायर यूज करते हैं, स्लिक टूल, ठीक है? अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर यह है
कि इसमें लिखा गया है, क्वेश्चन में करना क्या, राइट ए शॉर्ट नोट। तो बस आपको नोट लिखना, मतलब कुछ भी दो चार लाइन लिखना है, डायग्राम आप नहीं बना पाएंगे वहां पर। ये बात दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आप एग्जाम में डायग्राम बना पाएंगे। रफली अगर कुछ बना सकते हैं तो बना दीजिएगा, बहुत ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए सॉवेल किसके लिए यूज करते हैं, सॉवेल इज यूज टू मिक्स एंड टेम्पर मोल्डिंग सैंड एंड मूव द सैंड पाइल टू द फ्लास्क। देखो एक जगह से दूसरी जगह सैंड को ट्रांसफर करने के लिए और सैंड को मिक्स करने के लिए। सैंड में क्या क्या मिक्स होता है, देखिए जो आपका मोल्डिंग सैंड होता है, ऑलरेडी बताया हूं, फिर से बता दे रहा हूं, मोल्डिंग सैंड में सैंड पार्टिकल होंगे, सिलिका सैंड पार्टिकल किस शेप का होगा, इररेगुलर शेप एंड साइज का, रेगुलर कभी नहीं होगा, इररेगुलर शेप एंड साइज का सैंड होगा। और उसके बाद उसमें होता है आपके बाइंडर्स लगे होते हैं, बाइंडर्स होंगे, क्ले एंड मॉइस्चर के लिए वाटर यूज किया जाता है, इतने चीजें वहां पर यूज होंगी। इन सबको मिक्स करने के लिए सॉवल का यूज करते हैं, ठीक है ना, बस इतना ही बहुत है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ट्रॉवल, ए ट्रॉवल टूल इज यूज टू शेप एंड स्मूथ द सर्फेस ऑफ द मोल्ड। देखो ये आपने देख रखा होगा, बचपन से आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, जहां पर घर वगैरह बनते हैं वहां पर यूज होता है सॉवल। किस लिए यूज करेंगे, शेप प्रोवाइड करने के लिए या फिर स्मूथ सरफेस बनाने के लिए हम सॉवल को यूज करेंगे, ठीक है। या फिर इन केस कहीं पर जब आप कैविटी क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें कोई सैंड का जो भी कॉर्नर है वो इरोड हो गया हो या टूट गया हो तो फिर से रिपेयर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। थोड़ा सा सैंड उठाना हो या निकालना हो कहीं से तब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। सर कलर चेंज कीजिए, लिखने वाले पेंसिल नहीं दिख रहा है, ओके ठीक है अब दिखेगा। रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। दे आर मेड ऑफ स्टील, किसका बना होगा, स्टील का बना होगा, एंड आर रिलेटिवली लॉन्ग एंड नैरो। अब इसको आप बना सकते हैं, अगर जो भी आप वहां पर दिखा पाए तो दिखा दीजिएगा, नहीं बना सकते हैं तो कोई ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। रिडल देखिए, रिडल आपको दिख रहा होगा, इसको स्टेनर भी आप बोल सकते हैं, स्टेनर भी बोल सकते हैं रिडल को। ए रिडल टूल इज ए स्क्रीन और साइब यूज टू रिमूव स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल एंड फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम द मोल्डिंग। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि जो सैंड है, सैंड में जो फॉरेन पार्टिकल, फालतू के जो पार्टिकल है उनको बाहर निकालने के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। सैंड को रखेंगे और उसके बाद झन्ना बोल सकते हैं या जो भी आपकी लैंग्वेज बोला जाता हो याद रखने के लिए, लेकिन फिर भी आपको वहाँ स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखनी है तो रिडल, ठीक है ना। जो भी इम्प्योरिटीज होंगी सैंड को उनको इसमें से बाहर करेंगे। और ये जो इसमें क्रॉस सेक्शन दिख रहे हैं आपको, ये जो भी क्रॉस सेक्शन यहाँ पर दिख रहा है उसका ये मतलब है, ये जो आपको दिख रहा है इसका साइज, वही बताएगा साइज कि किस शेप एंड साइज का सैंड एक्चुअल में हम यूज कर रहे हैं, किस शेप एंड साइज का सैंड एक्चुअल में यूज कर रहे हैं वो कौन डिफाइन करेगा, इस रिडल का जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो साइजेस बने हुए हैं इसमें जो वायर्स लगे हुए हैं इनका जो साइज है वही डिफाइन करेगा, ठीक है ना। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट रेमर। देखो रेमर ये जो प्रोडक्ट है इसका मेन काम होता है स्ट्रेंथ बनाना। मेन काम क्या होगा, स्ट्रेंथ बनाना। जब भी आप कोप या ड्रैग में सैंड भरते हैं तो रीमिंग ऑपरेशन करते हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रेंथ अच्छी कर सके। बहुत ज़्यादा मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब आप जो टिक लाते थे, बहुत ज़्यादा अगर आप रीमिंग कर देंगे तो फिर क्या होगा, सैंड के बीच में जो होल्स होंगे वो कम हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, जब होल्स कम हो जाएंगे जिसकी वजह से परमेबिलिटी कम हो जाएगी। परमेबिलिटी कम हुई मतलब क्या हुआ, अबिलिटी टू एस्केपिंग एयर फ्रॉम द मोल्ड कैविटी ये कम हो गया। तो अब जब एयर ज़्यादा बाहर निकल नहीं पाएगी तो एयर अंदर ट्रैप होगी तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, कास्टिंग डिफेक्ट आ जाएगा। एंड कास्टिंग डिफेक्ट अगर सरफेस पर है तो ब्लो होल्स, पोरोसिटी, ये सब चीज़ें वहाँ पर क्रिएट होंगी, ठीक है ना। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मतलब क्या है, रीमिंग ऑपरेशन क्यों करेंगे, यूज टू कंप्रेस द मोल्डिंग सैंड। सिंपली बहुत सिंपल लाइन लिखनी, यूज टू कंप्रेस द मोल्डिंग सैंड। द हैंड रीमर इज मेड ऑफ ए टूल एंड रिसेंबल ए हैंडलेस मैलेट विथ ए फ्लैट एंड द ब्लंट एज। देखो एक साइड होगा आपका फ्लैट एज, दूसरे साइड होगा ब्लंट एज, एक फ्लैट होगा एक ब्लंट होगा, ठीक है ना। अंकित कुमार नहीं समझे, क्या नहीं समझे सर, ट्रॉवल एक बार फिर से समझा दीजिए। ओके भैया समझ लो फिर से, कहाँ गया। अरे ट्रॉवल भैया आपने देखा होगा ना, जब कंस्ट्रक्शन वगैरह जहाँ पर दीवार वगैरह बनती थी, सीमेंट मोरंग का जो मिक्सर होता है वो ट्रॉवल से उठाया जाता है, उसके बाद ईंटे पर रखा जाता है, देखा है ना ये चीज।
वही ट्रॉवल है, वैसे ही सैंड को भी हम, अरे सैंड को एक जगह दूसरी जगह उठा के रखना है तो किससे रखोगे? क्या हर बार आप इसको यूज करें क्या? इसका साइज बहुत बड़ा होता है शॉवल का। ट्रॉवल क्या एक छोटा इक्विपमेंट है, एक जगह दूसरी जगह। दूसरा, कहीं पर अगर कॉर्नर, मान लीजिए कोई कॉर्नर टूट गया, ये कॉर्नर है, ये मान लीजिए टूट गया सैंड का, तो अब कैसे इसको आप सही करते? ट्रॉवल में सैंड लेके आएंगे और चिपका देंगे यहाँ पर, ठीक है ना? इसमें कुछ समझने जैसा है ही नहीं। आप शेप देखिए, डायग्राम देखिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चले आगे देखते हैं। रिमर हो गया, रिमर से आप ये कह सकते हैं कि तू मेंटेन द स्ट्रेंथ, मेंटेन द स्ट्रेंथ ऑफ मोल्डिंग सैंड, स्ट्रेंथ ऑफ मोल्डिंग सैंड। ड्रॉस पाइप, देखिए ड्रॉस पाइप एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम पैटर्न को बाहर निकालते हैं। जब हम पैटर्न अलाउंस पढ़ा रहे थे तो उसमें कई बार हमने नाम लिया था, ड्रॉस पाइप का यूज करेंगे पैटर्न को बाहर निकालने के लिए। और वहां पर देखिए पैटर्न को एक सेक प्रोवाइड करके बाहर निकालते, इसी वजह सेकिंग या रैपिंग अलाउंस वहां पर आता है, ठीक है ना? द ड्रॉस पाइप टूल इज यूज टू रिमूव द पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड एंड जेंटली रैपिंग, रैपिंग मतलब वही सेकिंग, रैपिंग द पैटर्न टू लूजन इट फ्रॉम द सैंड टू इंश्योर द क्लीन ड्रॉ, आसानी से बाहर निकल जाए। आसानी से बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेक सेक प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए सेक अलाउंस दिया जाता है। ऑलरेडी अलाउंस में बता चुका हूं। ड्रॉस पाइप किसके लिए होगा, ध्यान रखिएगा, ड्रॉस पाइप इज यूज टू रिमूव द पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड कैविटी, ठीक है ना? आगे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सीजनिंग ऑफ वुड। देखिए सीजनिंग वर्ड वुड हो सकता है या फिर यहां पर लिखा होगा टिम्बर, वुड लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा, टिम्बर, एंड आल्सो करनी कहते हैं उसको। हाँ, जो भी आपको समझ में आए, करनी कहो या जो भी आपको समझ में आए, ठीक है। मैं थोड़ा बिहार से हूँ नहीं, यूपी से हूँ, तो ये जो लोकल लैंग्वेजेस है ना वो हमारी आपकी बड़ी डिफरेंट है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई पर ध्यान रखिए, कल क्लास है, कल आप लोगों का पेपर है, ये सब बातें बाद में कर लेंगे, ठीक है ना? बाकी यार तुम लोग टेंशन वगैरह ना लिया करो, एक तो बैक आ गई तो पता लगा परेशान हुए घूम रहे हैं आप लोग, बहुत गलत बात है। देखिए एक चीज़ समझिएगा बहुत ध्यान से, कि बैक आ जाए, आप एग्ज़ाम में फेल हो जाओ, आपके नंबर कम हो जाएं या आपके नंबर ज़्यादा हो जाएं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंसान ख़राब हो या अच्छे हो। ये दिमाग से निकाल दो कि हम पढ़ने में अच्छे हैं तभी हम अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप इंजीनियरिंग नहीं भी करोगे तब भी आप इंसान ही रहोगे, समझ रहे हैं बात को? तो जो भी कुछ अभी मार्केट में चल रहा है उन सब जो नेगेटिविटी है उससे दूर रहिए, ठीक है? आपस में बैठिए, दोस्तों के साथ बैठिए, रील्स वगैरह छोड़ के बैठना शुरू करो आपस में, ठीक है ना? डिस्कस करिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो टॉपिक ना समझ में आए तुरंत उसको डिस्कस करिए, और थोड़ा डेली रूटीन में कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन्वॉल्व करिए, बैडमिंटन वगैरह खेल लो, गिल्ली डंडा खेल लो, कुछ तो करो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करिए। तो बैठ के वहाँ पर पबजी फ्री फायर खेल रहे हैं आप लोग, ठीक है ना? पढ़ने का टाइम है तो इसमें नेगेटिविटी सोच रहे हैं। परसों की लाइव क्लास में एक बच्चा बोल रहा है, सर 5 बैक आ गई है, सुसाइड करने का तरीका बता दो। तो सर पढ़ाने बैठे हैं कि मरने का तरीका बताने बैठे हैं? आप खुद समझिए इन सब चीज़ों को, ठीक है? आप बच्चे तो रह नहीं गए। देखिए सीधी सी बात है, आप इंसान नहीं ख़राब हो, ऐसा आप मार्क्स आपको डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है ना? चलिए नाउ देखिए, टिम्बर की सीजनिंग क्यों करते हैं? मान लो आप वुड कट करके लेके आए, कोई भी वुड आपको पैटर्न बनाना है उसको आप कट करके लेके आए, तो उसमें देखो होगा क्या, सबसे ज़्यादा उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो रहेगा मॉइस्चर कंटेंट, वो रहेगा मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है? उस मॉइस्चर कंटेंट को हमें रिमूव करना है, बिकॉज जब हम उसको सैंड के अंदर यूज़ करेंगे मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो सैंड उससे चिपक जाएगा, और जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो जो मोल्ड कैविटी है वो खराब हो जाएगी। इसलिए सीजनिंग ऑफ वुड बहुत जरूरी है। देखो पहला एग्जांपल, एक एग्जांपल हमने समझाया इस चीज को, ठीक है ना? टिम्बर इज सीजन टू ड्राई आउट। सीजनिंग का मतलब क्या है? ड्राई आउट का मतलब क्या, वो मॉइस्चर कंटेंट को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना? टिम्बर टू ब्रिंग इट्स यूजेबल एंड वर्केबल कंडीशन। मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा तो सर बिल्डिंग के बारे में बताएं फुल इंफॉर्मेशन, आर्क बिल्डिंग में पूरा का पूरा पढ़ा चुका हूं, लाइव क्लास में जाइएगा इसके पहले वाले लेक्चर में, आर्क बिल्डिंग में पूरा पढ़ा चुका हूँ आपको, पूरा का पूरा बेसिक जितना हो पॉसिबल हो सकता है आर्क बिल्डिंग में आपको बता दिया हूँ, ठीक है? उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा अगर पढ़ना होगा तो फिर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बिल्डिंग के बारे में। बाकी और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मैं लास्ट में डिस्कस कर लूँगा।
आर्क बिल्डिंग में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। नाउ मोर देन हाफ द वेट ऑफ फ्रेशली कट टिम्बर कंसिस्ट ऑफ मॉइस्चर और सैब, लगभग 50% के आसपास क्या रहेगा उसमें मॉइस्चर कंटेंट रहता है। बिफोर द टिम्बर कैन बी यूज ए लार्ज पार्ट ऑफ द मॉइस्चर मस्ट बी रिमूव। कुल मिला के सीजनिंग का मतलब क्या हुआ, हम मॉइस्चर को रिमूव करेंगे। किसको रिमूव करेंगे, मॉइस्चर को रिमूव करेंगे। यही आपसे पूछा गया है कि वाट इज सीजनिंग ऑफ फूड, बस इतना ही पूछा गया है। इतना भी लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको देखना है मार्क्स कितना है, कितने मार्क्स का है, उस हिसाब से आपको चीजों को वहां पर लिखनी है। तो रीजन फॉर सीजनिंग, क्या क्या रीजन है सीजनिंग के, टू प्रिवेंट श्रिंकेज, रीजन फॉर सीजनिंग टू प्रिवेंट श्रिंकेज, ऑलरेडी बता चुका हूं श्रिंकेज, स्प्लिटिंग, चेकिंग एंड रैपिंग, ये चार प्रॉब्लम है। श्रिंकेज का मतलब क्या हुआ, सिविल में है, कोई बात नहीं, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं दिलशान, दिलशान आलम, एक बार चेक कर लेना, इसके क्लास के बाद चेक कर लीजिएगा, बिल्डिंग पढ़ा चुका हूं मैं। नाउ टू अचीव ग्रेटर स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ, वुड की खुद की स्टिफनेस और स्ट्रेंथ अच्छी हो इसलिए मॉइस्चर कंटेंट हम रिमूव करते हैं। आपने सुना हो जब भी आप कोई चीज बनाने जाते हैं वुड का, मान लीजिए आप सोफा बनाने जा रहे हैं वुड का, तो आप खुद डिमांड करते हैं कि लकड़ी सूखी हुई होनी चाहिए, बिकॉज अगर मॉइस्चर कंटेंट होगा, जब मॉइस्चर रिमूव होगा तो उसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा, डिस्टॉर्शन आ जाता है, या मॉइस्चर ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। आप देखा होगा बारिश के मौसम में घर में दरवाजे फूल जाते हैं, बंद नहीं होते आसानी से, तो मॉइस्चर कंटेंट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम मैकेनिकल में है, आ जाना पड़ा, ठीक है। नाउ टू अलाउ पेनिट्रेशन एंड प्रिजर्वेटिव, देखो क्वेश्चन आप लोगों के ठीक है, अगर हम आपके कमेंट ही पढ़ते रहेंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है, वैल्यूएबल कमेंट करिए। टू ऑब्टेन ए सरफेस दैट विल एक्सेप्ट पेंट्स पॉलिश एंड ग्लू, देखो पेंट पॉलिश एंड ग्लू तभी हम अप्लाई कर पाएंगे जब मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, जब मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तभी अप्लाई कर पाएंगे, या फिर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डीके, डीके का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक लकड़ी खराब हो जाना, तो उस डीके को रोकने के लिए भी हम मॉइस्चर कंटेंट बाहर निकालते हैं। जिस देखो होता है क्या, बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह भी अटैक कर सकते हैं अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है ना। नाउ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर, इसका देखो कुछ खास नहीं है, वाटर इज स्टोर इन द वुड इन टू मेन फॉर्म्स, किन किन फॉर्म में होता है, एक होगा फ्री फॉर्म ऑफ वाटर, दूसरा होगा सेल के फॉर्म में होगा। सेल का मतलब क्या है, जो बाउंड होगा, जितने भी सेल्स होंगे उनमें क्या होंगे, बाउंड होंगे। फ्री फॉर्म वेसल के फॉर्म में अगर होगा, यूज टू मूव न्यूट्रिशंस विद इन द ट्री, जैसे ही आप वुड कट करके लेके आएंगे सबसे पहले फ्री वाटर जो होगा वो बाहर चला जाएगा, वो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, लाइक 10-15 दिन अगर आप धूप में रख दिए तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो सेल में होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इनिशियली सीजनिंग फर्स्ट रिमूव्स द फ्री वाटर कंटेंट फ्रॉम द विद इन द सेल, देखिए सबसे पहले आपका सेल खत्म होगा, सॉरी कहाँ गया, फ्री वाटर, फ्री वाटर सबसे पहले, फ्री वाटर देन उसके बाद सेल के लिए हम काम करेंगे। सेल टू मॉइस्चर कंटेंट, सेल में जो मॉइस्चर कंटेंट होगा कितना होगा, 25-35%। द सेल वॉल स्टिल कंटेंट मॉइस्चर, देखिए ध्यान समझिएगा, जब भी मॉइस्चर कंटेंट हम रिमूव कर रहे होंगे, किससे करेंगे उससे आपसे मतलब नहीं, आपसे पूछा ही नहीं गया। जब भी मॉइस्चर कंटेंट रिमूव कर रहे हैं, जो फ्री वाटर होगा वो सबसे पहले गायब होगा, लेकिन जो उसके बाद भी 20-25% मॉइस्चर जरूर रह जाएगा उसमें, इवन इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं दिलशाल आलम, और क्या पढ़ा रहे हैं, दिस स्टेट इज नोन एज द फाइबर सेचुरेशन पॉइंट, इस ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, फाइबर सेचुरेशन पॉइंट, जब 25-35% मॉइस्चर बचा हो और फ्री वाटर गायब हो चुका हो, फाइबर सेचुरेशन पॉइंट कहा जाएगा। विथ फर्दर सीजनिंग द कंबाइंड मॉइस्चर विद इन द वॉल ऑफ द सेल बिगेंस टू ड्राई आउट, इसको पढ़ लीजिएगा, इतना बहुत है। लास्ट में देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी आप लिख रहे होंगे तो जो भी वुड में मॉइस्चर कंटेंट बचेगा वो 12-15% रहेगा ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, हमेशा मॉइस्चर कंटेंट रहेगा ही रहेगा, और इतने की हमें रिक्वायरमेंट भी होती है, 12-15% रहेगा और इतने की हमें रिक्वायरमेंट भी रहेगी, ठीक है, 35 से मैक्सिमम रहेगी। तो दिलशाल आलम तुम यार मतलब क्या भांग वांग खा के बैठे हो क्या, 35% से ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट मतलब क्या, मतलब केले की लकड़ी यूज कर रहे हो क्या जिसमें पानी ही भरा रहता है पूरा, उसका यूज है क्या आपके कारपेंट्री शॉप में, वही याद बातें, कोई बात नहीं होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे
टाइप ऑफ वुड, इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट था टाइप ऑफ वुड। अरे बड़ा हो जा भैया, टाइप ऑफ वुड दो टाइप की बात करेंगे, सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड, ठीक है ना, सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड। ठीक है, ध्यान समझिए, सॉफ्ट एंड हार्ड, हार्ड में दोनों में क्या डिफरेंस है? सॉफ्ट है तो लाइट इन कलर होगा, सॉफ्ट वुड है तो लाइट इन कलर होगा। कलर हमें भी चेंज करना पड़ेगा, लाइट इन कलर सॉफ्ट वुड। तो अगर एक लाइट है दूसरा क्या होगा? डार्क होगा। आसान से चीज है, जैसे आप चार पांच पॉइंट वहां बना ले जाएं, ठीक है ना, इट इज लाइटर इन वेट, सॉफ्ट वुड लाइटर होगा तो हार्ड वुड क्या होगा? हैवियर होगा। इट हैज स्ट्रेट फाइबर एंड फाइन टेक्सचर, ध्यान रखिएगा स्ट्रेट फाइबर एंड फाइन टेक्सचर होगा सॉफ्ट वुड में, लेकिन इसमें क्या होगा? क्वाइट क्लोजर एंड कॉम्पैक्ट होगा, क्लोजर एंड कॉम्पैक्ट। नाउ इट हैज गुड टेंसाइल रेजिस्टेंस एंड सीयर रेजिस्टेंस, इसमें आपका सीयर रेजिस्टेंस पुअर होगा हार्ड वुड में, ऑलरेडी सीयर भी बता चुका हूं मैं। इट इज रिलेटिवली लेस ड्यूरेबल, देखो सॉफ्ट वुड है तो बहुत ज्यादा दिन तक हम यूज नहीं कर पाएंगे, और हार्ड वुड है ज्यादा दिन तक यूज हो सकता है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा रहेगी। इट कैचेस कैचेस फायर इजिली, सॉफ्ट वुड में आग आसानी से लगा सकते हैं फायर, ठीक है ना। इट डज नॉट कैच फायर इजिली एंड हैज विदस्टैंड विथ एट हाई टेम्परेचर, हार्ड वुड को हाई टेम्परेचर पर यूज कर सकते हैं। इट इज यूज इजी टू वर्क, इट इज डिफिकल्ट टू वर्क का मतलब क्या हुआ? वर्क का मतलब शेप एंड साइज में प्रोड्यूस करना, किसी भी शेप एंड साइज में प्रोड्यूस करना आसान है सॉफ्ट वुड को, इसमें क्या है? डिफिकल्ट है। आई थिंक इतना बहुत है वुड के बारे में, कौन कौन सा सीजनिंग ऑफ वुड क्या होता है एंड सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, वेरियस कारपेंट्री प्रोसेस, वेरियस कारपेंट्री प्रोसेस। क्वेश्चन अभी पूछा था सर कारपेंट्री सब पढ़ा दीजिए, देखिए भाई सब पढ़ाएंगे, परेशान ना होइए आप, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लें, संडे है, सारा काम हमें खुद ही करना है, ऑफिस में कोई है नहीं, संडे को छुट्टी रहती होगी आप लोगों का। कारपेंट्री प्रोसेस, कल आप लोग बढ़िया से पेपर करके आइए, खूब ढेर सारा लिखिए, जितना कुछ आपके दिमाग में सब लिख डालिएगा, ठीक है। कहानी मत लिख देना, सर लेथ मशीन के बारे में क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ा रहा हूँ, लेथ मशीन उसी में पढ़ा दूंगा। रहमत, रहमत हुसैन, इसके पहले का लेक्चर पढ़ चुके हो क्या तुम? जो कल परसों जो भी पढ़ाया गया, जो भी दो पार्ट पढ़ाए गए सब पढ़ चुके हो? रहमत जरा जवाब दो, बाकी क्वेश्चंस पढ़ चुके हो या नहीं? रहमत रिप्लाई करिए, ईजीडी करवा दीजिए, ईजीडी भी आई थिंक आपको अवेलेबल है, मैसेज आ जाएगा अभी, बस आपने कमेंट डाला है तो मैसेज आ जाएगा फॉर्मेटर की तरफ से, ईजीडी भी शायद आपको अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल आई थिंक। रहमत बताओ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हैं सर? नहीं सर, हाँ ईजीडी करा दिया गया है, चेक कर लो, ठीक है, यूट्यूब पर ही है शायद ईजीडी। रहमत बताओ जब तुम पहले का नहीं पढ़े हो, एक बार शुरुआत से पढ़ लो रहमत, ठीक है ना, एक बार शुरुआत से पढ़ लो, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना, लगभग लगभग चीजें क्लियर हो जाएंगी वहां पर, ठीक है।
आइए देखते हैं। कार्पेंट्री बहुत नेक्स्ट में पढ़ते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। व्हाट इज सीएनसी? ये तो आप सब सब लिख सकते हैं, सीएनसी क्या है? कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। देखो सबसे पहले सीएनसी की बात आएगी, फुल फॉर्म लिखना है आपको, ठीक है ना? ईजीडी यूट्यूब पर अवेलेबल है सर। लेथ मशीन इज रोटेट इन द वर्क पीस एंड रोटेशन इन द वर्क पीस इन डिलिंग नर्लिंग ड्रिलिंग फॉर्मिंग ईटीसी। क्या लिख रहे हो यार? लेथ मशीन इज रोटेट इन द वर्क पीस। लेथ मशीन थोड़ी घूमेगा भैया, वर्क पीस टर्न करेगा, वर्क पीस भी नहीं कराएंगे, टूल को मूव कराएंगे। क्या लिख रहे हो सर? सेवंथ नंबर पढ़ाना है अभी, ठीक है? चलो अभी कमेंट बंद करो, आगे देखो, ठीक है ना? ईजीडी पढ़ा दिया गया है आप लोगों को, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। सीएनसी मशीन, देखिए कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, सीएनसी स्टैंड फॉर कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। सीएनसी स्टैंड फॉर कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। देखो इसमें होता क्या है, मान लीजिए अगर आप नॉर्मल लेथ मशीन से वर्क ऑपरेशन कर रहे हैं, सीएनसी मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें सारे वर्क परफॉर्म होंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। आप लोग जब आगे पढ़ेंगे तो आप लोग ऑटो कैड वगैरह जब करेंगे थोड़ा चीज़ें और समझ में आएंगी कैसे क्या क्या इसमें वर्क होता है। न्यूमेरिक कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि प्रोग्रामिंग हम करेंगे ऑलरेडी, जैसे मान हमने प्रोग्राम दे दिया, लेथ का टूल है किस एक्सिस पर मूव करना है, ठीक है? मैकेनिकल इंजीनियर वाले पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सिविल वाले भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैकेनिकल वाले पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे सीएनसी के लिए, ठीक है ना? कहाँ पर क्या ड्रिलिंग होना है, कब कब मिलिंग होना है, कब कौन सा ऑपरेशन होना है, वो सब पहले से डिसाइड होगा और उसके बेस पर आपकी मशीन जो है वो वर्क करती है, ठीक है? इज अ मैन्युफैक्चरिंग मेथड दैट ऑटोमेट्स द कंट्रोल। ऑटोमेट्स का मतलब क्या हुआ? ऑटोमेटिक कंट्रोल, मूवमेंट एंड प्रिसीजन ऑफ मशीन टूल थ्रू द यूज ऑफ प्री प्रोग्राम्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। पहले से प्री प्रोग्राम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हाँ हाँ पीवीएस पेज पढ़ाऊंगा मत परेशान हो। प्री प्रोग्राम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीएनसी मशीन्स आर कॉमनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग टू मशीन मेटल एंड प्लास्टिक पार्ट। मेटल के लिए काम करेंगे और प्लास्टिक के लिए भी काम करेंगे, ठीक है ना? दे कैन कंट्रोल अ वराइटी ऑफ कटिंग टूल्स सच एज मिल्स, मिल्स का मतलब मिलिंग टूल्स, लेथ्स राउटर्स ड्रिलिंग ग्राइंडर, जितने भी प्रोसेस होते हैं सीएनसी में वो सारे प्रोसेस कर सकते हैं। हाँ कारपेंटरी वाला पढ़ाऊंगा, क्यों परेशान हो रहे हो? इस पीडीएफ में नहीं है, पढ़ाऊंगा लास्ट में, डोंट वरी। वाटर जेट एंड लेजर, जो भी जितने भी ऑपरेशन पॉसिबल हैं वो सब सीएनसी मशीन पर आसानी से परफॉर्म किए जा सकते हैं, सारे के सारे ऑपरेशन। सीएनसी मशीन्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू कंट्रोल द नॉन मशीन टूल्स सच एज वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली, वेल्डिंग भी कर सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक असेंबल। मान लीजिए पार्ट लगाने हैं, पीसीबी प्लेट है, पीसीबी प्लेट में डायोड ट्रायोड ये सब लगाना है, तो वो सब क्या कहलाएंगे आपकी? इलेक्ट्रॉनिक असेंबली का पार्ट कहलाएगा। एंड वेल्डिंग, वेल्डिंग ऑलरेडी बता चुका हूं, वेल्डिंग द ज्वाइनिंग प्रोसेस, ज्वाइनिंग ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स, मेटल या फिर नॉन मेटल हो सकता है, विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट, विद मटेरियल और विदाउट द यूज ऑफ फ्लैम मटेरियल, या फिर विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड नॉन प्रेशर। ये कंप्लीट वेल्डिंग का एक डेफिनेशन बनेगा, ठीक है ना? सर गैस वेल्डिंग में फ्यूल का उपयोग क्यों करते? कौन सा फ्यूल यूज होता है भैया गैस वेल्डिंग में? यार नाम बताओ, दिलशाद आलम तुम क्या कहानी लेके बैठे हो यार? दिलशाद आलम एक काम को, सारे क्वेश्चन तुम लिख लो और लिख कर जो नंबर आपको दिया गया है फॉर्मेटर उस पर जरा मैसेज करो, सारे का रिप्लाई करूंगा। गैस वेल्डिंग में कोई फ्यूल यूज नहीं होता है, कौन सा फ्यूल की बात कर रहे हो तुम? गैस वेल्डिंग दो होते हैं, मतलब दो ही चीज यूज होता है, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, तीन टाइप के फ्लेम बनेंगे, दैट्स इट, उसमें और कुछ ऐसा है ही नहीं। चले, सीएनसी स्टैंड फॉर कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, वही सेम चीज है। ऑटोमेशन ऑफ मशीन टूल्स, 3D प्रिंटर्स, 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग का मतलब क्या हुआ देखिए समझिए। मान लीजिए ये टूल है और इसमें से प्लास्टिक, प्लास्टिक का हम वायर या कुछ भी प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, मोल्टन प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, और 3D का मतलब क्या हुआ, जिस शेप का हमने प्रोग्रामिंग किया होगा उस शेप का यहाँ से प्लास्टिक बाहर निकलेगा टूल से होते हुए और वो 3D शेप में ऑब्जेक्ट बनता हुआ चला आएगा। इसको आप यूट्यूब कर लीजिएगा, गूगल में सर्च कर लीजिए 3D प्रिंटर कैसे काम करता है, बहुत बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं 3D प्रिंटिंग से, ठीक है ना? बाई मीन्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट एग्जीक्यूट प्री प्रोग्राम सीक्वेंस, देखिए सब में वही सेम लाइन है, प्री प्रोग्राम, ठीक है ना? आगे चलते हैं। इन सीएनसी सिस्टम एक कंप्यूटर कंट्रोल एंड मैनेजेस
द मूवमेंट ऑफ द मशीन कंपोनेंट। मशीन कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, टूल्स, जो भी आपके जितने भी टूल्स हैं उन सब का मूवमेंट कौन कंट्रोल करेगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। द मशीन कैन इंक्लूड टूल सच एज मिलिंग, वही सेम चीज फिर से है, डिवाइस लाइक 3D प्रिंटर्स। सीएनसी टेक्नोलॉजी इनेबल्स हाई प्रिसीजन रिपीटेबिलिटी। देखिए हाई प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एग्जैक्ट इस, मान लीजिए आपने ये मार्कर बनाया तो अब दूसरा मार्कर सेम साइज का बनाना बहुत मुश्किल है, फिर तीसरा, मान लीजिए एक ही जैसा आपको 1 लाख प्रोडक्ट बनाने हैं तो फिर रिपीटेबिलिटी नहीं मिल पाता, वो प्रिसीजन नहीं मिल पाता, लेकिन सीएनसी मशीन से वो प्रिसीजन बहुत आसानी से मिल जाता है। भाई आई बात समझ में, तो प्रिसीजन, रिपीटेबिलिटी एंड इफिशियंसी, इफिशियंसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की इफिशियंसी भी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, बिकॉज लेबर वर्क करेगा तो हो सकता है एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऑटोमेटिक मशीन वर्क करेगी तो एरर के चांसेस बहुत कम रहेंगे। आई बात समझ में, एरर कम रहेगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी और इसको आप 24/7 वर्क करा सकते हैं, एक लेबर 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा बाय द इंडियन गवर्नमेंट रूल, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नाउ कैसे काम करता है सीएनसी मशीन। देखिए पहला प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। ए पार्ट डिजाइन एंड ट्रांसलेट इन टू सीएनसी प्रोग्राम यूजिंग कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कौन सा सीएनसी मशीन में प्रोग्रामिंग कौन सा यूज होगा, कैम, कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर होता है, उसी के थ्रू कोडिंग की जाएगी और उसी के थ्रू बताया जाएगा कि टूल का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक कैसे होगा, कब फीड प्रोवाइड करना है, कब आपका कटिंग फ्लूइड आपका फ्लो कराना है, कब वर्कपीस को लोड करना है, कब अनलोड करना है, क्या मोशन होगा, वो सब आपका पहले से डिसाइड होगा, पहले से डिसाइड होगा। दिस प्रोग्राम कंटेन्स डिटेल इंस्ट्रक्शन अबाउट द, वही जो मैं बताया, टूल पैस, स्पीड्स, फीड एंड अदर पैरामीटर नेसेसरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और कौन कौन सा नेसेसरी है, जैसे कटिंग फ्लूइड कब और कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। नाउ दूसरा मशीन सेटअप, द रॉ मटेरियल इज लोडेड इन टू द सीएनसी। देखो इसमें सीएनसी में क्या करना होता है, सीधा का सीधा रॉ मटेरियल आपने लोड किया, प्रोग्राम किया, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आप प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। द मशीन इज सेटअप इंक्लूडिंग सिक्योरिंग द मटेरियल एंड अटैचिंग द अप्रोप्रिएट कटिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टूल। देखो मैं बताऊँ, सीएनसी मशीन में आपको वर्कपीस को क्लीन भी नहीं करना है, सारा का सारा प्रोसेस यहीं पर होगा, मशीन के अंदर होगा सारा का सारा प्रोसेस, ठीक है ना। डिपेंड करता है यूज एंड एप्लीकेशन पे, इसका साइज क्या होगा, कितना बड़ा सीएनसी मशीन यूज होगा, वो आपके यूज एंड एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। आपके कॉलेज में हो सकता है अवेलेबल हो सीएनसी मशीन, ठीक है। थ्री एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब क्या, जो आपने प्रोग्राम प्रोवाइड किया है उसको एग्जीक्यूट कराना, एग्जीक्यूट का मतलब कुछ ना कुछ वर्क होगा। द सीएनसी मशीन रीड्स द प्रोग्राम एंड प्रिसाइजली एग्जीक्यूट द स्पेसिफाइड ऑपरेशन, प्रोग्राम को रीड करेगा और उसके बाद स्पेसिफाइड ऑपरेशन जो भी होंगे वो सब वहां पर परफॉर्म किए जाएंगे। द कंप्यूटर कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल, 3D प्रिंटर नोजल या फिर मल्टीपल डायमेंशन, कौन कौन से डायमेंशन हो सकते हैं, एक्स वाई एंड जेड डायमेंशन में, यही टूल है और इस टूल का मूवमेंट एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में क्या होगा, इसी से सारा का सारा काम होता है, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रोग्राम। क्वालिटी कंट्रोल, सीएनसी मशीन ऑफन इंक्लूड सेंसर्स मेजरमेंट डिवाइसेस टू इंश्योर द क्वालिटीज फॉर्मिंग इन सेफ, हाँ ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ द प्रोड्यूस्ड पार्ट, ऑपरेटर्स कैन मॉनिटर द प्रोसेस एंड मेक एडजस्टमेंट एज नेसेसरी। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम कहीं पर होती है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने बनाया उसका डायमेंशन एक्यूरेट नहीं है, तो आप उस पर स्टॉप कर सकते हैं और फिर से उसमें करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। सीएनसी मशीन, नेक्स्ट सीएनसी टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, एग्जांपल लिख दीजिए कहाँ कहाँ यूज होगा, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोटोटाइपिंग, इट अलाउज फॉर इफिशियंट प्रोडक्ट फॉर कॉम्प्लेक्स पार्ट को आसानी से बनाया जा सकता है जिसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी, मेकिंग वाइटल टूल इन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ECM, EDM जो भी है, लेजर कटिंग या फिर वाटर जेट, इन सब में भी हम इसको आसानी से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना आप लिख देंगे, PDF आपको मिल जाएगा, PDF मांग लीजिएगा सर से, ठीक है। आगे देखते हैं, हियर द साइलेंट फीचर्स दैट मेक CNC टेक्नोलॉजी हाईली इफेक्टिव। देखो अब इससे ज़्यादा जो हम पढ़ रहे हैं, अगर ये आपको मार्क्स देखते हुए लिखना है,
ठीक है ना, अगर आपके पास टाइम है, मार्क्स वगैरह देख रहे हैं ठीक ठाक मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर आप बढ़ाइएगा, अदरवाइज इतना बहुत है सीएनसी जितना क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछा भी नहीं गया है, फिर भी हम बता देना। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, वही सेम चीज़ को, रिपीटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी मैंने क्या बताया, जो प्रोडक्ट एक बार बन चुका है उसी को हम दोबारा उसी सेम एंड साइज सेम डायमेंशन का बना पाएं, उसी का मतलब है रिपीटेबिलिटी। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स शेप एंड साइज का प्रोडक्ट हम आसानी से बना ले जाएंगे। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्सिटिलिटी, वर्सिलिटी देखो फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ, इन केस कोई प्रॉब्लम हुई जब हम वर्क कर रहे हैं तो जिससे हम उसको चेंज कर सकें, ठीक है ना। एक प्रोडक्ट मान लीजिए मैंने मार्कर बनाया, दूसरा मुझे कुछ और बनाना है तो जिससे हम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम ही चेंज करना और मुझे कुछ नहीं करना है। रिड्यूस्ड वेस्ट, वेस्ट का रिडक्शन यहाँ पर होता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। और किसी मशीन में जब आप काम करेंगे उससे जब आप कंपेयर करेंगे सीएनसी मशीन को, तो वेस्ट क्या होगा यहाँ पर, कम होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, सब कुछ सही रहेगा, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। ऑटोमेशन एंड लेबर सेविंग, लाइन्स आप देख लीजिएगा, ऑटोमेशन होगा, लेबर सेविंग मतलब हम सारा कुछ ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं तो फिर हमें ज़रूरत भी नहीं है। एरर रिडक्शन, एरर नहीं होगा क्योंकि हम मैन पावर तो यूज़ कर नहीं रहे हैं। इंटीग्रेशन विथ कैड एंड कैम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, चीजल कास्ट स्टील टूल का क्यों बना होता है, अच्छा बता रहे हैं। डाटा रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस, डाटा रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस, देखो कास्ट स्टील कुछ नहीं होता, कास्ट आयरन होता है वो, या कास्ट स्टील जो आप बोल रहे हैं चीजल, देखो ध्यान समझिए, कास्ट आयरन में एक प्रॉपर्टी होती है, कास्ट आयरन में कार्बन डिफ्यूज होता है सरफेस पर, और कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल होता है, या कास्ट स्टील जो भी आप बोल रहे हैं, कास्ट आयरन क्या होगा, ब्रिटल मटेरियल होगा। ब्रिटल मटेरियल बीक इन, देखिए जो आपका डक्टाइल मटेरियल होता है वो सीयर में वीक होता है, और ब्रिटल मटेरियल जो होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अगर होगा तो वो कंप्रेशन में होगा, इसलिए चीजल को किस में बनाते हैं, ब्रिटल मटेरियल का बनाते हैं, कास्ट से बनाते हैं, कास्ट आयरन, लेथ मशीन बेड वगैरह भी इसी का बनाते हैं, ठीक है ना। डाटा रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस, मेनी मॉडर्न सीएनसी सिस्टम रिकॉर्ड्स ऑपरेशन डाटा, देखिए डाटा एक बार रिकॉर्ड हो जाएगा फिर अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको बार बार सेम फीडिंग करने की जरूरत नहीं है, मतलब कंप्लीटली ऑटोमेटिक प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, डिफाइन टेपर, टाइम बहुत कम है थोड़ा स्पीड बढ़ा के काम करते हैं। डिफाइन टैपर, देखिए टैपर टर्निंग, टेपर या टेपर टर्निंग दोनों लिख के आ सकता है, व्हाट इज टेपर या फिर टेपर टर्निंग, ठीक है। डिफाइन टेपर, हाउ इट इज, हाउ इज द अमाउंट ऑफ टेपर एक्सप्रेस, कितना अमाउंट का टेपर कैसे होगा, कब एक्सप्रेस होगा। नेम डिफरेंट मेथड ऑफ टेपर टर्निंग डन, टेपर टर्निंग का मेथड हमें डिफाइन करना है, कहां पर, ऑन ए सेंटर लेथ यूजिंग सिंपल स्केच। अब यहाँ पर आपको स्केच बनाना पड़ेगा और टेपर टर्निंग को डिफाइन भी करना पड़ेगा, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं जिसकी वजह से हम एक्चुअल वर्कपीस में टेपर प्रोवाइड करते हैं। देखो वर्कपीस में टेपर कैसे प्रोवाइड करेंगे, दिस इज आवर चक, लेथ मशीन का क्या है, चक है, चक दो टाइप के होते हैं, थ्री जॉ चक एंड फोर जॉ चक, ये आपको पता होगा। लेथ मशीन के चक में जब हम वर्कपीस को लोड करेंगे, टेल पोस्ट यहाँ पर लगा होगा, टेल पोस्ट, और यहाँ पर होता है हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, टूल पोस्ट के अंदर, ठीक है ना, यही होता है हमारा लेथ मशीन का ऑपरेशन, हेड टेल एंड दिस इज आवर कटिंग, सॉरी कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अब अगर हमें टेपर ऑपरेशन करना है, यहाँ पर वर्कपीस क्या करेगा, रोटेट करेगा एक अपने एक्सिस के अबाउट, और इसको हम मूव करा सकते हैं कैसा, लाइक दिस, लाइक दिस, एंगल पर भी मूव करा सकते हैं लाइक दिस। तो अब अगर हमें टेपर प्रोवाइड करना, हमारे पास कई सारे ऑप्शन है, अगर आप देखें तो कई सारे ऑप्शन है, हम इस टेल पोस्ट को इधर उधर कर दें, मतलब इसके सेंटर पर ना फिक्स करके कहीं और फिक्स कर देंगे, तो तब भी तो हमारा टेपर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये टेपर हो गया तो वर्कपीस जब चलेगा, टूल जब चलेगा तो वो टेपर कटिंग ही करेगा, आई बात समझ में। ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड करते हैं टेपर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल वाले पोर्शन हम लोग नहीं जाएंगे, बिकॉज आपके सिलेबस में वो है नहीं, न्यूमेरिकल डाटा मैकेनिकल वाले पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल डाटा क्या क्या यूज होता है, ठीक है। टेपर टर्निंग हम लोग निकालते भी हैं, कितना परसेंट कब कितना कैसे बनेगा, टेपर टर्निंग कैसे यूज किया जाता है, आगे देखते हैं। इन मशीनिंग ए टेपर रिफर्स टू ग्रेजुअल रिडक्शन इन डायमीटर, ग्रेजुअल रिडक्शन इन डायमीटर, देखो टेपर वर्कपीस कैसा दिखेगा Like this. अगर सिलिंड्रिकल की बात कर रहे हैं, D1 एंड D2,
ये आपका है टेपर, ग्रेजुअल रिडक्शन इन डायमीटर, ठीक है, ग्रेजुअल रिडक्शन इन डायमीटर और थिकनेस ऑफ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ओवर इट्स लेंथ, थिकनेस ऑफ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ओवर इट्स लेंथ, यही आपका क्या है टेपर वर्क पीस है। टेपर का मतलब ही क्या हुआ कि एक साइड जो आपका डायमीटर होगा वो ज्यादा होगा, दूसरी साइड जो डायमीटर होगा वो कम होगा उसके कंपैरिजन में, पहले इतना था और फिर ये कम हो गया। इसका यूज बहुत होता है, ऐसे वर्कपीस का यूज बहुत होता है, इसे टेपर टर्निंग लेथ मशीन पर हम परफॉर्म करते हैं। टेपर आर कॉमनली यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन सच एज इन मशीन टूल्स शाफ्ट एंड पिंस वेयर द सिक्योर फिट और अलाइनमेंट इज रिक्वायर्ड बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। कीज वगैरह देखे होंगे अगर आप, तो वो सब टेपर होते हैं, बिकॉज कहीं पर भी फिटिंग प्रोवाइड करना होगा अच्छा टाइटली फिट होना चाहिए, पिंस वगैरह जो बने होते हैं वो सब टेपर होते हैं, पिन वगैरह अगर आपने देखा होगा सब क्या होते हैं टेपर होते हैं, अगर टेपर रहेंगे तब उसमें टाइटनेस या फिर आप कह सकते हैं फिटिंग अच्छी रहेगी, लगभग लगभग इसे टेपर का यूज होता है, ठीक है ना। क्या लिखे हो दिलशाद आलम सर, पता नहीं क्या लिखा है। नाउ द अमाउंट ऑफ टेपर इज टिपिकली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टेपर रेशियो, इसके टर्म्स में होगा टेपर रेशियो के मतलब डी टू डी वन के रिस्पेक्ट कितना कम है, या फिर टेपर पर यूनिट लेंथ, लेंथ के रिस्पेक्ट में कितना टेपर मिल रहा है, दो हम लोग कर सकते हैं किसमें, या तो डी टू या डी वन इन दोनों का डिफरेंस है, दूसरा लेंथ के रिस्पेक्ट में डी वन या डी टू का कितना डिफरेंस है। नाउ द टेपर रेशियो रिप्रेजेंट द चेंज इन डायमीटर पर यूनिट लेंथ, चेंज इन डायमीटर पर यूनिट लेंथ, लेंथ जो भी होगा चेंज इन डायमीटर पर यूनिट लेंथ, ऑफन एक्सप्रेस्ड एज इंक्रीज किसमें इंचेस में, इंचेस पर फुट, देखिए कितना चेंज हुआ तो ये होगा इंचेस पर फुट और मिलीमीटर्स पर मीटर, या तो इंचेस पर फुट में डिफाइन करेंगे या फिर मिलीमीटर पर मीटर में डिफाइन, देखिए लेंथ ज्यादा होगी तो इसलिए लेंथ को हमेशा बड़ी यूनिट में रखें, चेंज को हमने छोटी यूनिट में रखा हुआ है, ठीक है ना। लेथ मशीन कास्ट आयरन का क्यूब बना होता है, क्या दिलशाद आलम ऑलरेडी बताया जा चुका है लेथ मशीन बेड, पहला मैं लगता पहला ही क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का मैंने बताया हुआ है, वहां पर डिफाइन किया हुआ है, वहां जाके देखो, लेथ मशीन नहीं बना होता, लेथ मशीन का बेड बना होता है कास्ट आयरन का, वो भी ग्रे कास्ट आयरन का, ऑलरेडी बताया हूं, पहला क्वेश्चन है वहां जाके पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल ए टेपर रेशियो ऑफ 1:12, 1:12 क्या मतलब होगा कि 1 मिलीमीटर टेपर है कितना 12 मीटर में, मतलब क्या हुआ 12 मीटर के लेंथ में 1 मिलीमीटर का क्या मिला हमें टेपर मिला है, द डायमीटर रिडक्शन बाय 1 यूनिट ओवर अ लेंथ ऑफ 12 मीटर, इसका मतलब ये हुआ 1:10 होगा तो मतलब क्या हुआ, 1:10 का मतलब क्या हुआ कि 1 मिलीमीटर का टेपर कितने में मिल रहा है 10 मिलीमीटर के लेंथ में मिल रहा है, ठीक है ना, लिख लेंगे इसको। नाउ चलते हैं मेथड ऑफ टेपर टर्निंग, क्या क्या मेथड जो आपके क्वेश्चन पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं, मेथड ऑफ टेपर टर्निंग कौन कौन से मेथड है टेपर टर्निंग के, थोड़ा सा मैं जूम कर लूं जिससे आपको दिखे अच्छे से, दिलशान पढ़ा गया है, दिलशान कास्ट आयरन, देखिए कास्ट आयरन में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो होता है मैक्सिमम परसेंटेज अगर बात करेंगे तो 6.67% ऑफ कार्बन, आयरन में 6.67% का कार्बन जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, जिसकी वजह से उस एलॉय में डैम्पिंग प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। डैम्पिंग प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या हुआ, जब वहाँ पर फोर्स वगैरह यूज़ किया जाएगा तो वाइब्रेशन को रोकेगा, इसलिए किसी भी इंजन या फिर लेथ मशीन का जो बेड होता है वो कास्ट आयरन का ही बनाते हैं, ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर डिटेल आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ लो दिलशान, मैंने वहां पर एक क्वेश्चन भी पूछा था कि 6.67% से ज्यादा अगर कार्बन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वाले या जो भी हैं मैकेनिकल वाले खासकर भैया इसका जवाब दे दो, आपके काम की चीज़ है, इवन सिविल वाले भी, सिविल का तो सारा का सारा पूरा पूरा
जो भी लाइफ है वो माइल स्टील में ख़त्म हो जानी है, माइल स्टील या फिर ब्रिक्स। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड मैकेनिकल इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिविल में जो भी कुछ वर्क किया जाता है 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे काम किया जाएगा, मैकेनिकल में जितना भी वर्क होता है वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे काम किया जाता है। आई बात समझ में? 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या हुआ? आप फोर्स लगाते रहिए, कोई मूवमेंट नहीं होगा। लाइक ब्रिज, घर, जो भी कुछ आप सिविल वाले काम करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 0 होता है। स्ट्रक्चर, एक्चुअल में सिविल वाले पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, और मैकेनिकल वालों को पढ़ाया जाता है काइनेमेटिक चेन या फिर मशीन। मशीन का मतलब ही होता है कि सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। ठीक है, चलो नाउ बात करते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं, मेथड ऑफ टैपर टर्निंग ऑन। ना जाओ यार, मेथड ऑफ टैपर टर्निंग ऑन सेंटर लेथ। कौन कौन से मेथड यूज होंगे सेंटर लेथ पर टैपर टर्निंग के लिए? ठीक है ना, एसिटिलीन गैस, क्या लिख रहे हो रोशन? बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। देखिए, गैस बिल्डिंग में ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन दो गैसेस यूज की जाती हैं, और उनके परसेंटेज पर 3 टाइप का फ्लेम बनता है। और एसिटिलीन गैस को हम C2H2 जिसको बोलते हैं, C2H2 जनरेटर यूज करते हैं। आपने अगर गैस बिल्डिंग देखा होगा तो C2H2 जनरेटर यूज करते हैं, CaO यूज करके, जिससे आपने देखा होगा ना कार्बेट बाहर निकलता है, जो इसका यूज आप करते हैं आम वगैरह पकाने के लिए, केला पकाने के लिए आप जाते हैं गैस बिल्डिंग में। तो C2H2 का सिलेंडर यूज नहीं करते हम, सिर्फ ऑक्सीजन का सिलेंडर बनाते हैं, लेके आते हैं, और C2H2 वही जनरेट करते हैं जहां पर गैस बिल्डिंग इक्विपमेंट लगा हुआ है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा रोशन कुमार। डिटेल में पढ़ना है होगा तो फिर उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म होगा, यहाँ इतना ही बहुत है। बाकी आप फ्लेम पढ़ लीजिएगा, टाइप ऑफ फ्लेम इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन से फ्लेम होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, कार्बोराइजिंग, तीनों फ्लेम पढ़ लीजिएगा। तीनों का साउंड क्या क्या बन सकता है, कितने टेम्परेचर होते हैं फ्लेम का, जो टेम्परेचर होता है। ठीक है, पावर टूल, डिफरेंट टूल। दिलसान टॉपिक चलने दो, तुम क्वेश्चन लिख के भेजो, मैं सारा रिप्लाई कर दूंगा, या बीच बीच में से करते रहेंगे, पढ़ते रहो, बीच बीच में बताता रहूंगा। अभी बिल्डिंग बताया ना, गैस बिल्डिंग, पावर टूल बताते हैं। ऑफसेट टेल स्टॉक, देखिए फर्स्ट वन इज ऑफसेट टेल स्टॉक मेथड। देखिए ऑफसेट टेल स्टॉक मेथड, ध्यान समझिएगा, डायग्राम देखिए पहले। हम क्या करेंगे, ऑलरेडी वर्क पीस को ही अपने एक्सिस से टिल्ट कर देंगे। देखो ध्यान से, ऑफसेट हम पहले ही उसको क्या कर देंगे, एक हाइट पर सेट कर देंगे, ऑफसेट प्रोवाइड कर देंगे, ऑफसेट प्रोवाइड कर देंगे। इन दिस मेथड द टेल स्टॉक इज सेट ऑफ सेंटर बाय द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ क्रिएट द टैपर। जितना हमें टैपर चाहिए होगा उतना हम ऑलरेडी उसको क्या कर देंगे, ऑफसेट कर देंगे, किसी हाइट पर सेट कर देंगे। द वर्क पीस इज रोटेटेड बिटवीन द सेंटर्स एंड एज द कटिंग टूल मूव्स अलोंग द लेंथ द वर्क पीस इट रिमूव्स द मटेरियल क्रिएटिंग अ टैपर। देखो अगर ये रोटेट कर रहा है सिंपली एक एक्सिस पर, और अगर आप टूल लेके आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा कट होगा। आप अगर ऑफसेट प्रोवाइड कर देंगे तब अब ये टैपर कट करेगा। आई बात समझ में? अब ये टैपर कट करेगा। तो ऑफसेट किस पर प्रोवाइड कर देंगे, टेल स्टॉक पे ही हम ऊपर नीचे कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, ऑफसेट मिल जाएगा, और फिर हम कट करना शुरू कर देंगे तो ऑलरेडी हमें क्या मिल जाएगा, आसानी से टैपर मिल जाएगा। कुल मिला के हमें वर्क पीस को टैपर बनाना है। इसमें देखो डायग्राम थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वेलिंग एंड स्वेलिंग द कंपाउंड रेस्ट। देखिए इस मशीन में कंपाउंड रेस्ट होता है, कंपाउंड रेस्ट में स्वेलिंग, द कंपाउंड रेस्ट इज स्वेल्ड एट एन एंगल टू द लेथ एक्सिस। देखिए ये जो आप देख रहे हैं कंपाउंड रेस्ट, जहां पर टूल वगैरह लगा हुआ है, उसी कंपाउंड रेस्ट को ही हम क्या करेंगे, एक एंगल पर चेंज कर देंगे। देखिए ये आपका इनिशियल एंगल था, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये एंगल था, इसको हमने किसी एंगल पर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब एंगल पर अगर चेंज कर दिया, टूल भी उसी एंगल में तो मूव करेगा, लेथ मशीन थोड़ा बहुत अगर पड़ा होगा तो टूल भी क्या करेगा, उसी में मूव करेगा। ठीक है ना, एज द टूल मूव्स अलोंग द वर्क पीस इट क्रिएट्स ए टैपर। द एंगल ऑफ द कंपाउंड रेस्ट डिटरमाइन द टैपर
टेपर रेशियो। देखो ये पहले से ही हम क्या करेंगे, कंपाउंड रेस्ट में चेंजेस ला देंगे। कंपाउंड रेस्ट में जैसे ही हम चेंजेस लाएंगे टेपर टर्निंग हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब कंपाउंड रेस्ट क्या होता है, लेथ मशीन, थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो कॉलेज में पढ़ा हो, तो कल पेपर है हम बहुत ज़्यादा तो बता नहीं सकते। देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्म टूल मेथड। फॉर्म टूल मेथड, देखो ये फॉर्म टूल है, टूल को ही हम चेंज करें, टेपर टर्निंग बाई फॉर्म टूल मेथड, हमें क्या करेंगे यहां पर टूल को ही चेंज करने की कोशिश करेंगे। ए फॉर्म टूल विद द डिजायर्ड टेपर प्रोफाइल इज माउंटेड ऑन द टूल पोस्ट। जो टूल हम सिंगल पॉइंट यूज करते हैं वो फॉर्म टूल होगा, मतलब वो ऑलरेडी जब वो कट करेगा तो टेपर ही कट करेगा, ठीक है ना। एज द वर्क पीस रोटेट द फॉर्म टूल कट द टैपर, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग कंसिस्टेंट टैपर्स। देखिए टूल ही हम चेंज करेंगे, टूल कैसा है, टैपर टूल है। अभी हमने क्या बताया था कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होगा तो लाइक दिस होगा, ये होगा सिंगल पॉइंट, यहां से कटिंग हो रही थी, लेकिन यहां पर क्या हमने यूज कर दिया, फॉर्म टूल यूज कर दिया। तो ये अब कट करेगा भी तो क्या कट करेगा, टैपर ही कट करेगा, ठीक है ना। फोर सम का पीवाई को पढ़ा दीजिए, अच्छा सब्जेक्ट बताइए फोर्थ सेम में। टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड, मोनिका कुमारी सब्जेक्ट बताइए फोर्थ सेम किसकी बात कर रही है। द टेल स्टॉक इज सेट ओवर बाय द रिक्वायर्ड अमाउंट, दिस ऑफसेट कॉजेज द वर्क पीस टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस स्लाइटली इंक्लाइंड। मेन मेन चीजें याद रखना है, टू इट्स ओरिजिनल एक्सिस, रिजल्टिंग द टैपर एज द कटिंग टूल रिमूव द मटेरियल। टेल स्टॉक को ही क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, सेट ओवर मेथड इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेट ओवर मेथड। सेट ओवर मेथड को क्या करेंगे हम, देखो इसमें देखो टेल स्टॉक यहाँ पर है, इसी में है, इसी के थ्रू हम क्या करेंगे टेपर टर्निंग प्रोवाइड कर देंगे। ये और पहला लगभग लगभग सेम होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंगुलर टर्निंग मेथड, देखो इसमें से आपको लिखने हैं सिर्फ तीन, बहुत ज़्यादा वहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, तीन चार लिख दीजिए बहुत है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, 3 घंटे में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर टेपर टर्निंग पूछा जाता तो बस आप 3 मेथड लिखिए, बहुत है। नाउ एंगुलर, द कंपाउंड रेस्ट and the tool post are both set at angle to the lathe axis, ठीक है। As a tool moves longitudinally along the workpiece, it creates taper due to the angular setting of the tool. देखो तीन फीड होते हैं, एक होगा longitudinal, lateral और एक होता है lateral को लगभग लगभग क्या बोलते हैं, क्रॉस फीड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रॉस फीड। अब देखो जो फीड होगा उसी फीड को ही हम टैपर प्रोवाइड कर देंगे, इसको बोल रहा हूँ मैं, ये टूल ही किसी एंगल पर मूव करेगा, ठीक है। ये सेटिंग कहाँ से होगा हमारा, क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड डेस्क का यूज करते हुए हम वहां पर सेटिंग देंगे, तो जो हमारा वर्कपीस होगा वो एंगल पर ही मूव, टूल जो होगा वो एंगल पर ही मूव करेगा, आई बात समझ में, उसको बोलते हैं एंगुलर टर्निंग मेथड। नाउ लेथ ऑपरेशन, देखिए लेथ में हम बहुत ज्यादा तो पढ़ा नहीं सकते, इतना टाइम तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ तो बता ही दें। तो लेथ ऑपरेशन फटाफट देख लीजिए, अभी कोई क्वेश्चन पूछ भी रहा था, सोल्डरिंग ब्रेजिंग, लेथ ऑपरेशन। देखिए लेथ में क्या क्या हो सकता है, टर्निंग, टर्निंग का मतलब क्या हुआ, जो वर्कपीस होगा वो मूव करेगा लेथ में, कैसा, रोटेट करेगा, वर्कपीस क्या करेगा, रोटेट करेगा, एंड जो टूल होगा, कलर चेंज किया जाए, ठीक है, वर्कपीस क्या करेगा, रोटेट करेगा, एंड टूल में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, इस डायरेक्शन में फीड प्रोवाइड करेंगे, और ये हमारा क्या है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, या फिर इसको बोलते हैं टर्निंग टूल, ठीक है। लेथ में ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है, फेसिंग, फेसिंग, फेसिंग में क्या करेंगे हम, सीधा सीधा क्या करेंगे, इसका पूरा का पूरा लेंथ कट कर रहे हैं, टर्निंग में क्या कर रहे थे हम, डायमीटर कम कर रहे थे, यहाँ पूरा लेंथ कम कर रहे हैं, मतलब पूरा फेस से कट करें, क्रॉस सेक्शनल कटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। कैम्फरिंग या चैम्फरिंग, कैम्फरिंग जो भी आप बोलते हैं, ये भी देखिए सेम एज टर्निंग ऑपरेशन है। थ्रेड कटिंग, थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग भी हम आसानी से लेथ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पिनिंग, स्प्रिंग देखिए एक प्रोसेस है, जो पहले से बना हुआ एक टूल होगा उसी के ऊपर हम सीट मेटल को क्या करेंगे, उसी के शेप एंड साइज का बना देंगे, स्प्रिंग टूल रोलर होगा, इसकी वजह से हम यहाँ पर प्रेशराइज करेंगे, जिससे हमारा जो अंदर जो इंप्रेशन है वो पूरा का पूरा उस सीट पर आ जाएगा, या आप कह सकते हैं सीट उसी शेप एंड साइज की बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देख लो,
अगर ये शेप एंड साइज का हमें बनाना है कोई प्रोडक्ट, इसको मैं लेथ पर ले गया और ये सीट है हमारे पास। अब इस सीट को प्रेशराइज करेंगे रोलर के थ्रू, जिससे क्या होगा, ये इसी के ऊपर पूरा रैप हो जाएगी, बाद में इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये क्या हमारा स्पिनिंग। ग्रूविंग, ग्रूव्स कट करेंगे, ग्रूविंग। देखिए अभी डायग्राम बना हुआ बहुत है, इसमें डिटेल में नहीं बता रहा हूँ मैं। ड्रिलिंग ऑपरेशन भी आप आसानी से कर सकते हैं। पार्टिंग ऑफ, पार्टिंग ऑफ पूरा कट करके अलग कर देना। बोरिंग, बोरिंग ड्रिलिंग में देखिए क्या डिफरेंस है। ड्रिलिंग इज यूज फॉर क्रिएटिंग अ होल, फर्स्ट टाइम जब आप होल क्रिएट करेंगे। एंड बोरिंग इज यूज टू इनलार्ज द होल, इनलार्ज द होल। ड्रिलिंग का मतलब क्या हुआ, होल को क्रिएट करना, और इसका मतलब हुआ इनलार्ज द होल, होल को बढ़ाना। आई बात समझ में। ड्रिलिंग इज यूज टू, ड्रिलिंग का मतलब हुआ होल को क्रिएट करना, बोरिंग का मतलब हुआ होल को इनलार्ज करना। वो ब्रोचिंग का मतलब होता है, ब्रोचिंग इसमें नहीं आएगा लेथ ऑपरेशन में, ब्रोचिंग का मतलब होता है होल को एग्जैक्ट करना या फिर मिरर लाइक सरफेस फिनिश अंदर बनाना, ठीक है ना। नर्लिंग ऑपरेशन, ये जितने भी ऑपरेशन है ये सब क्या है, लेथ मशीन ऑपरेशन है। अब आपको क्या करना है, अब समझिए कुछ, आप भी तो पढ़ेंगे ना, ये जितने भी ऑपरेशन है इसमें से 5 ऑपरेशन तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है लेथ मशीन ऑपरेशन, ठीक है ना। ये 5 आपको तैयार करने हैं, नोट्स वगैरह में आप ढूंढिए, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, 5 आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलो ये एक्स्ट्रा था, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। जितना भी ये पीडीएफ है ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड लेथ, दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके बाद पूरा का पूरा वर्कशॉप आपका कंप्लीट। रैपिड प्रोटोटाइपिंग कुछ है नहीं, आप पढ़ भी चुके होंगे, मुझे लगता है सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। मैं आपको, मुझे लगता है मैं अगर आपको सीधा सीधा नोट्स प्रोवाइड कर दूं ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस क्वेश्चन को पढ़ाने का कोई खास मतलब है नहीं। व्हाट इज लेथ, हाउ इज द लेथ क्लासिफाइड विथ नेट स्केच, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लेथ पार्ट्स। कोई डाउट हो तो आप पूछिए, तब तक दिलसाद आलम सोल्डरिंग, क्या सोल्डरिंग में क्या बताना है दिलसाद, सोल्डरिंग में क्या बताना है। चलिए देखते हैं, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग देखो, समझो जरा इसको, इसमें क्या होता है। ये भी कुछ अलग नहीं है, 3D प्रिंटिंग टाइप्स कह सकते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग। रैपिड प्रोटोटाइपिंग RP इज ग्रुप ऑफ टेक्निक्स यूज्ड टू क्विकली फैब्रिकेट ए स्केल मॉडल ऑफ फिजिकल पार्ट और असेंबली यूजिंग 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन डाटा। असेंबली या फिर मेकिंग अ प्रोडक्ट बाय द 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन प्रोसेस, ठीक है। इट अलाउज फॉर द क्विक क्विक इंटरेशन एंड विजुलाइजेशन ऑफ अ डिजाइन कॉन्सेप्ट बिफोर इट गोज इनटू फुल स्केल प्रोडक्शन। रैपिड प्रोटोटाइपिंग इज वाइडली यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस एंड हेल्थ केयर। इन सब जगहों पर रैपिड प्रोटोटाइपिंग यूज किया जाता है। नाउ देयर आर सेवरल रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस ईच विथ इट ओन एडवांटेज, सबके अलग अलग एडवांटेजेस हैं। लाइक पहला स्टीरियोलिथोग्राफी SLA, SLA यूजेज अ लेजर टू सॉलिडिफाई लिक्विड रेजिन लेयर।
लेजर का यूज करेंगे लिक्विड जो भी रेजिन लेयर है उनको सॉइड करने के लिए, बाई टू क्रिएट अ 3D ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट इज बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज लोअर्ड इन द रेजिन टैंक। देखो सीधी सी बात है, SLA को लेजर के मेथड से हम लिक्विड रेजिन लेयर को डिफरेंट शेप एंड साइज में प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें होगा क्या, जब आप इसका यूज करेंगे, लेजर का यूज करेंगे सॉलिडिफाई करने के लिए, तो उससे सरफेस फिनिश स्मूथ होगी एंड जो भी आपका स्ट्रक्चर होगा वो भी कैसा होगा, फाइन होगा। नाउ सिलेक्टिव लेजर सेंटरिंग, ये बढ़िया प्रोसेस है। सिलेक्टिव लेजर सेंटरिंग, देखिए सेंटरिंग का मतलब क्या हुआ, पाउडर्ड फॉर्म में। सेंटरिंग का मतलब क्या हुआ, पाउडर्ड फॉर्म में हमारा जो मेटल या प्लास्टिक या फाइबर जो भी होगा उसको हम लेजर की मदद से, अगर लेजर यूज हुआ है तो लेजर की मदद से क्या करेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे। वही सेम चीज है सिलेक्टिव लेजर सेंटरिंग, जिसमें आपका मेनली आपका फाइबर पॉलीमर यही सब यूज होता है, लाइक नायलॉन पॉलीमाइड या फिर मेटल भी यूज कर लेते हैं, लेयर बाय लेयर बनाएंगे। सेंटरिंग का मतलब क्या हुआ, लेयर बाय लेयर, एक लेयर फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर। आप देखें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे मिलते हैं जो लेयर बाय लेयर बने होते हैं, वो क्या कहलाता है आपका सेंटरिंग प्रोसेस, इसको बोलते हैं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। नाउ फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, मुझे लगता है ये आप पढ़ लीजिएगा, जितने भी हैं बस आप एक बार नजर दौड़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत बस आप पढ़ लीजिएगा, जैसे सिलेक्टिव लेजर सेंटरिंग मैं आपको बता ही चुका हूँ एक बार और। नाउ फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग FDM बिल्ड्स प्रोटोटाइप लेयर बाई लेयर यूजिंग थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक दो प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक थर्मोटेसिक प्लास्टिक होते हैं, तो जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल हैं उनको हम लेयर बाई लेयर बनाते हैं। द हीटेड नॉजल एक्सट्रूड द मटेरियल, ठीक है, 3D प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं यही फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। फ्यूज डिपोजिशन का मतलब क्या हुआ, पहले से हम उसको हीट करेंगे और हीट करने के बाद एक नॉजल बाहर निकाल कर लेयर बाय लेयर हम प्रोडक्ट को बनाएंगे, लेयर बाय लेयर प्रोडक्ट को बनाते जाएंगे, जिससे क्या होगा लेयर बाय लेयर जब बनाएंगे तो जिस भी शेप एंड साइज का आपको बनाना होगा उस शेप एंड साइज का बन जाएगा, नॉजल से वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा होगा, ठीक है ना। नाउ डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, DLP यूज डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर्स टू क्योर लिक्विड रेजिन लेयर्स, टू क्योर लिक्विड रेजिन लेयर्स बाय लेयर लाइक SLA व्हिच यूजेस अ सिंगल पॉइंट लेजर। DLP में क्या होगा आपका, जो भी लेयर होंगे सब कैसे होंगे, लेयर एट वंस स्पीडिंग द प्रिंटिंग प्रोसेस। DLP इज नोन फॉर इट्स हाई स्पीड एंड कैन प्रोड्यूस प्रोटोटाइप विद द गुड रेजोल्यूशन, मतलब एक जैसा कोई प्रोडक्ट अगर देखना है तो हम किसका यूज करेंगे, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग का यूज करते हुए सेम इमेज का हम प्रोडक्ट बनाएंगे। वन ऑफ द प्रोसेस सिलेक्टिव लेजर सेंटरिंग SLS कैन बी एक्सप्लेन इन। नाउ आगे बात करते हैं पाउडर डिस्पेंसिंग, थिन लेयर ऑफ पाउडर मटेरियल इज इवनली स्प्रेड अक्रॉस द बिल्डअप। देखो इस SLS के बारे में अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि व्हाट इज सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, तब आप डिफाइन करिएगा आगे, ठीक है। ये मैंने इस नोट्स में डाल रखा है कि इन केस हो सकता है पूछ ले, अगर इससे आगे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन बनाता है तो SLS के बारे में पूछा सके, क्योंकि आपके बोर्ड में जो भी जहाँ से आप बीटेक वगैरह कर रहे हैं उसमें कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, SLS के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज आप रख लीजिएगा, ठीक है। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा व्हाट इज SLS, अगर पूछा जाएगा तो वहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज लेथ, नेक्स्ट बात करते हैं लेथ मशीन। देखो लेथ मशीन बहुत ही कॉमन मशीन है, लगभग लोगों ने देखा होगा, यूज़ किया होगा वर्कशॉप में, सारे वर्कशॉप में अवेलेबल होती है, कॉलेज वगैरह के रोड पर आपको दिख जाएंगे लेथ मशीन। इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, लगभग आप कह सकते हैं कि सभी के सभी ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, कुछ एक्सेप्ट कुछ प्रोसेस हैं जिनको नहीं हम परफॉर्म कर सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं लगभग सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। अभी जो हमने डायग्राम में आपको बताया था वही फिर से है, लेथ मशीन में क्या होता है, वर्क पीस रोटेट करता है लेथ मशीन। देखो लेथ मशीन इज अ मशीन टूल, ध्यान रखिएगा ये क्या है, मशीन टूल है। देखो मशीन टूल का मतलब क्या हुआ, एक होता है मशीन टूल एंड दूसरा होता है हमारा कटिंग टूल, कटिंग टूल। तो मशीन टूल का मतलब क्या हुआ, वो मशीन जो वर्कपीस और कटिंग, वर्कपीस और कटिंग टूल के बीच में मोशन प्रोवाइड कराती है, वर्कपीस एंड कटिंग टूल के बीच में मोशन प्रोवाइड कराती है उसको बोलते हैं मशीन टूल। एंड कटिंग टूल का मतलब वो होता है, कटिंग टूल इज द जो वर्कपीस के अगेंस्ट में मूव करता है, वर्कपीस के अगेंस्ट में मूव करता है, किसके,
वर्क पीस के अगेंस्ट में फॉर द कटिंग ऑपरेशन या चिपिंग आउट द मटेरियल्स। तो मशीन टूल जैसे कोई भी ऐसी डिवाइस जो वर्क पीस और टूल के बीच मोशन प्रोवाइड कराए उसको बोलेंगे हम लोग मशीन टूल, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए लेथ मशीन, लेथ मशीन काम क्या है, लेथ मशीन पे वर्कपीस सेंटर वर्कपीस रोटेट करेगा और उसमें टूल लगा होगा, तो वर्कपीस और टूल के बीच में रिलेटिव मोशन प्रोवाइड कराता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वो क्या कहलाएगा आपका, मशीन टूल। सेपर मशीन, प्लेनर मशीन, ड्रिलिंग, मिलिंग, जितने भी ये सब मशीन्स हैं जो भी वर्कपीस और टूल के बीच में मोशन प्रोवाइड कराएगा वो सब क्या कहलाएंगे आपके, मशीन टूल कहलाएंगे, ठीक है। इसलिए सबसे पहले कोई मशीन अगर आप डिफाइन करेंगे सबसे पहले आप लिखते हैं इज अ मशीन टूल। लेथ मशीन इज अ मशीन टूल दैट रोटेट ए वर्कपीस अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमेशा वर्कपीस को एक एक्सिस पर क्या करेगा, रोटेट करता है, परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन। अभी मैंने बताया कौन कौन सा ऑपरेशन हो सकता है, कटिंग, सैंडिंग, नर्लिंग, ड्रिलिंग, डिफॉर्मेशन, फेसिंग एंड टर्निंग। ये सब मैं आपको दिखा चुका हूं डायग्राम में, ये सब ऑपरेशन आप लेथ मशीन पर परफॉर्म कर सकते हैं। विथ टूल दैट आर अप्लाइड टू द वर्कपीस टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद द सिमेट्री अबाउट दैट एक्सिस। लगभग लगभग सेम चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। अब अगर इसमें और अगर आपको डिफाइन करना है तो इन सब बारे में अलग से एक एक लाइन डिफाइन कर दीजिएगा, ठीक है ना। जो भी हमने डायग्राम आपको भी बना के बताया था उन सब के बारे में अलग से थोड़ा बहुत डिफाइन कर दीजिएगा वहां पर, अगर आपके पास टाइम अवेलेबल होता है तो। ये हो गया व्हाट इज लेथ, हाउ इज द लेथ क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ लेथ। देखिए फटाफट, लेथ मशीन क्लासिफिकेशन कौन कौन से हो सकता है, स्पीड लेथ मशीन, सेंटर लेथ और इंग्लिश लेथ, इंजन लेथ मशीन, टरेट लेथ, टूल रूम, बेंच लेथ, ऑटोमेटिक लेथ मशीन, स्पेशल पर्पज लेथ, कुछ जो ऑपरेशन हम नहीं परफॉर्म कर पाते नॉर्मल लेथ पर उसके लिए यूज करते हैं, एंड लास्ट वन ऑब्वियसली कौन सा होगा, सीएनसी लेथ मशीन। लास्ट वन जो हमारा होगा कौन सा होगा, सीएनसी लेथ मशीन फॉर द ऑटोमेटिक ऑपरेशन, जिसमें हम क्या यूज करेंगे, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल का, कैम का हम सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करके, हम ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग का सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करके हम प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी दोनों अच्छी करेंगे वर्कपीस में, ठीक है। आगे देखते हैं, सब देख लिए, लेथ मशीन को जैसे आपको दिखेगा यहाँ पर चक होता है, यहाँ पर टूल पोस्ट ये है आपका, और यहाँ पर आपका टेलीस्टॉक, ठीक है। ये पार्ट आप गूगल कर लीजिएगा, सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे, उस फोटो को ध्यान से देखिएगा, वही हू बहू वहाँ पर बना दीजिएगा। क्या करेंगे, सिमेट्रिक डायग्राम, सिमेट्रिक डायग्राम चेक करिएगा, ठीक है। नोट्स तो आप लोग अभी तक बनाए नहीं होंगे, तब इतनी जल्दी शॉर्ट टाइम में हम बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी डायग्राम आप जरूर बना लीजिएगा। पहले घर पे पेज से बना लेना, उसके बाद वहाँ एग्जाम में बनाना। नाउ सेंटर लेथ और इंजन लेथ, देखिए सेंटर लेथ का मतलब क्या हुआ, इंजन लेथ मशीन इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ द लेथ मशीन, सबसे ज्यादा ये यूज होता है, यू कैन फाइंड इनसाइड एनी मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप, हर जगह मिलेगा। यूज कहां पर हुआ था, सबसे पहले ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिक मोटर, बट बैक इन द 19th सेंचुरी पीपल यूज स्टीम इंजन टू ड्राइव। 19th सेंचुरी में स्टीम इंजन यूज करते थे, लेकिन अब तो मोटर यूज करते हैं। हाँ, अभी किसी ने बोला था पावर टूल क्या होता है, पावर टूल कहां गया, किसने बोला था पावर टूल के लिए, देखना पड़ेगा, आई थिंक दिलशान ही होगा। पावर टूल किसी ने पूछा था, पता नहीं, चलो ठीक है, जिसने भी पावर टूल पूछा था, देखो पावर टूल का मतलब क्या हुआ, ऐसी डिवाइसेस जो एक्चुअल में टूल और वर्कपीस के मूवमेंट के लिए यूज की जाती हैं, जिसमें स्ट्रेंथ की जाए, जैसे आपका मोटर, अभी मोटर का नाम आया तो मैंने बताया, जैसे मोटर हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी ऐसी डिवाइसेस जिसको हम यूज करते हैं पावर प्रोवाइड करने के लिए, आप ये कह सकते हैं, या दूसरा जिसका सबसे ज्यादा मेन यूज होता है टूल को या किसी चीज को यूज करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग पावर टूल। देखो ये किसी भी शेप एंड डिपेंड करता है कि किस एक्चुअल तरीके से हमें इसका क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है, अभी इतना ही समझिए पावर टूल। आगे देखते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन इंजन लेथ मशीन, इवन इट डज कंटेन एन इंजन नाउडेज। देखो पहले इसमें इंजन था इसलिए इंजन बोलते थे, अब इंजन नहीं है, ठीक है। नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटर लेथ मशीन बिकॉज बैक देन ऑलमोस्ट All machine tools were driven by either separate engines or central engine. देखो इसमें सारे operations आप perform कर सकते हैं। This type of lathe machine is used for wood and metal working. देखो इसको central lathe को engine lathe क्यों बोलते हैं? Clear हुआ, engine lathe इसलिए बोलते हैं कि पहले इसमें steam engine use करते थे, आज के time steam engine use नहीं करते हैं। सारे operations perform किए जा सकते हैं, कौन कौन से, wood पर भी और metal पर भी। You can perform various machining operation on this lathe machining, such as turning. तो देखो हर लेथ मशीन में लगभग लगभग ये कॉमन ही रहेगा। सर लेथ मशीन में बेड वुड का नहीं बना सकते क्या? नहीं बना सकते वुड का नहीं बना सकते हैं। टर्निंग, फेसिंग, ग्रूविंग, नर्लिंग, थ्रेडिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, जितने भी ऑपरेशन होते हैं। यार तुम दिलशान, तुम क्या मतलब सही में
कौन सा नशा करके बैठे हो? वुड का कैसे बनाओगे यार? तुम्हें मेटल में कटिंग करनी है, मेटल में कटिंग करनी है दिलशान, कैसे वुड का बनाओगे तुम मुझे बताओ? वुड का बेड यूज को, बेड का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? बेड इज अ प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म है जिस पर आपका चक वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। अभी मैंने बताया कि वर्कपीस और टूल के बीच में मोशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो बेल क्या, बेड क्या है आपका? वो पूरा का पूरा एक फिक्स प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म कमजोर बना दो, लकड़ी का प्लेटफॉर्म बना दो, एक घंटे एक महीने बाद उसमें दीमक लग जाए, ठीक है ना? और उसके बाद लेके जाना थ्रेड बनाने, पता लगा पाइप लग गए थ्रेड बनाना, टूट के खोपड़ी में घुस जाएगा टूल, ठीक है? नहीं बना सकते जब उस पर काम आपको मेटल का करना है, तो वुड कैसे बनाओगे यार? ठीक है, बना लेना तुम वुड का। मेटल सस्ता है, वुड बहुत महंगा है दिलसान, अच्छा वुड मिलना बहुत मुश्किल है। टरेट लेथ, टरेट लेथ देखिए, टरेट लेथ मशीन इज एन एडवांस लेथ मशीन यूज फॉर मास प्रोडक्शन। किसके लिए यूज करेंगे मास प्रोडक्शन? कमेंट करो दिलसान, क्या बोल रहे हो? मास प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे, ठीक है? इज द काइंड ऑफ अपग्रेडेड वर्जन। इंजन लेथ का क्या होगा? अपग्रेडेड वर्जन होगा। सन साइंटिस्ट बनना है तो इतना, अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो इतना, कोई बात नहीं, पूछो पूछो, मैंने क्या बोला? लाइव क्लास में आप वो पूछ के जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, बाकी जितने भी डाउट हैं आप नंबर ले लो, या फिर आप जो भी कोचिंग का नंबर, उसमें मैसेज को लिख के मैसेज करो, हमारे ये डाउट है, तुम्हें खुद फ़ोन करके बताया जाएगा, तुम्हारा सारा का सारा डाउट क्लियर करा लिया जाएगा, परेशान नहीं हो। वेयर द टेल स्टॉक इज रिप्लेस्ड बाई रिवॉल्विंग हेक्सागोनल टरेट। जो टेल स्टॉक होगा वो किससे बना होगा? रिवॉल्विंग हेक्सागोनल टरेट से हम रिप्लेस कर देंगे। हेक्सागोनल अगर होगा तो कोई भी वर्कपीस किसी भी शेप एंड साइज का होगा, उसको हम आसानी से वहां पर प्लेस कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं वहां पर हम फिक्स कर सकते हैं, इसलिए उसको किसका बनाते हैं? हेक्सागोनल का बनाते हैं। इन दिस टरेट यू कैन सेटअप मल्टीपल कटिंग टूल। देख रहे हमने कहा कोई टूल भी आप मल्टीपल लगा सकते हैं एक साथ, सच है, ड्रिलिंग, काउंटर सिंकिंग, रीमिंग, टैपिंग, कुछ भी आप लगा सकते हैं एक साथ। नाउ रोटेट द टरेट एंड प्लेट परफॉर्म द सेकेंड ऑपरेशन। एक बार एक परफॉर्म करेंगे, फिर दूसरा परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना? इतना तो आपने देखा होगा, ये भी रहता है लैब में आपके अवेलेबल रहता है टरेट लेट मशीन भी, ठीक है? चलो, इसमें सबसे बढ़िया एडवांटेज क्या होता है कि आपको एक बार टूल आपने यूज़ किया, दूसरा यूज़ करना तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बार 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 चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप मल्टीपल टूल लगा कर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एरर थोड़ा बहुत हो सकता है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, टूल रूम। देखो दो आपने पढ़ लिया, टाइप वहाँ सब लिखेंगे, दो से ज़्यादा आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि वहाँ आप लिख पाए। आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है, आप पढ़िए, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे, दो से ज़्यादा नहीं लिख पाओगे, ठीक है? तो इसका ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा वहाँ परेशान नहीं होना, दो तीन लिखिए जिससे एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि हाँ आपको आता है, बस इतना बहुत है भाई। आपके पेन में वो काबिलियत होनी चाहिए जो एग्ज़ामिनर से नंबर चुरा ले। एग्जामिनर तो नंबर देने बैठा ही, एग्जामिनर फेल करने थोड़ी ना बैठा आपको, ठीक है? सर लेथ मशीन करंट पे वर्क करता है इंसान, तुम्हारे क्वेश्चन लग नहीं रहे, तुम्हारे साइंटिस्ट होने के लक्षण है। करंट पे वर्क करता है, करंट क्या होता है? लेथ मशीन को चाहिए होता है एक्चुअल में मैकेनिकल एनर्जी। अब वो मैकेनिकल एनर्जी चाहे आप स्टीम इंजन से दो, चाहे आप इलेक्ट्रिक मोटर से दो, ठीक है ना? हमने क्या बोला, वर्कपीस रोटेट करेगा, वर्कपीस रोटेट करने के लिए कौन सी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। रोटेशन टाइप, रोटेशन टाइप कौन देगा? इलेक्ट्रिक मोटर। तो हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक करंट पर वर्क करता है। आप करंट स्पेशली, सिर्फ करंट मत लिखो उसको, इलेक्ट्रिक करंट बोलिए, करंट नहीं है, ठीक है? चले आगे देखते हैं। टूल रूम लेथ, देखो डायग्राम में देख लो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा। दिस इज अ स्पेशल ब्रीड ऑफ लेथ मशीन। स्पेशल तरीके का है भैया, थोड़ा तभी तो भाग रहा है। मोस्टली यूज टू मेक प्रिसीजन पार्ट्स। प्रिसीजन का मतलब जिनको हम बहुत ज्यादा एक्यूरेटली बनाना चाहते हैं, प्रिसीजन पार्ट्स जो लैब वगैरह में डायरेक्ट यूज होंगे, ठीक है ना? कॉमन पर्पस से नहीं यूज होंगे,
लैब वगैरह में यूज़ होंगे, जिनका डायमेंशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे। सच एज डाई, डाई ऑलरेडी बता चुका हूँ। गेजेज, रिंग टाइप, स्नैप टाइप, प्लग टाइप, ये सब गेज होते हैं। जिग्स एंड फिक्चर्स, जिग्स एंड फिक्चर देखो मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक है। जिग्स एंड फिक्चर देखो इसमें क्या काम होता है। जिग्स एंड फिक्चर का इट इज़ अ वर्क होल्डिंग डिवाइस, दोनों क्या होते हैं, वर्क होल्डिंग डिवाइस। जिग्स एंड फिक्चर्स इज यूज टू होल्ड, सपोर्ट द वर्क पीस। किसको वर्क, दोनों चीज़ें किसके लिए होल्ड एंड सपोर्ट किसको करेंगे, वर्क पीस को। लेकिन इसमें से जो जिग्स का एक काम और बढ़ जाता है, वो क्या करता है, जिग्स का एक काम और बढ़ जाएगा। इट इज यूज टू गाइड द कटिंग टूल, गाइड द कटिंग टूल। दोनों का मेनली काम क्या है, होल्ड एंड सपोर्ट द वर्क पीस, लेकिन जिग का एक काम और बढ़ जाता है, वो क्या है, टू गाइड द कटिंग टूल। जिग्स एंड फिक्सर, जिग्स एंड फिक्सर यूज करते हैं होल्ड एंड सपोर्ट द टूल, सॉरी वर्क पीस। टूल को गाइड कौन करेगा, जिग करता है। तो जिग्स एंड फिक्सर की जो डिजाइनिंग होती है वो किस पर होती है, स्पेशल लेथ मशीन जिसको बोलते हैं टूल रूम लेथ मशीन। देखो टूल रूम ऑलरेडी लिखा भी हुआ, तो टूल वगैरह ही बनाते हैं इससे। इट लुक्स सिमिलर टू देन एन इंजन लेथ मशीन, बट इट इज मेड फ्रॉम मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज पार्ट। देखो मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज पार्ट होगा तो इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होगा, ध्यान रखिएगा। अगर जितना ज़्यादा प्रिसाइज होगा उतना ज़्यादा उसका कॉस्ट भी होगा ही होगा, ठीक है, लिखा भी होगा। दस द प्राइस ऑफ द टूल रूम मशीन इज हायर। आगे चलते हैं, बेंच लेथ मशीन, बेंच लेथ मशीन मेनली यूज करेंगे वुड के लिए। द बेंच लेथ मशीन इज स्मॉल साइज, साइज कम होगा, हैंड ऑपरेट पावर लेथ होगा, हाथ हैंड ऑपरेट होगा, मेनली यूज टू स्मॉल प्रिसीजन वर्क, स्मॉल प्रिसीजन बहुत प्रिसाइज वर्क होगा लेकिन छोटे वर्क के लिए यूज करेंगे। इट लुक्स वेरी सिमिलर टू द स्पीड लेथ मशीन। इफ यू हैव अ लाइट जॉब, लाइट जॉब के लिए यूज करेंगे, जैसे कौन कौन सा हो सकता है, थ्रेडिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, नर्लिंग एंड टैपिंग, ये सब डिवाइसेज हैं। सारे ऑपरेशन इस पर आप काम कर सकते हैं, बस इसका साइज बहुत छोटा होगा। तो मतलब बहुत बड़े हम वर्क के लिए नहीं यूज करते, तो हमारे लिए स्मॉल वर्क कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपको गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स बनाने हो, ज्वेलरीज वगैरह बनाने हो, तो वहाँ पर यूज करेंगे। बट इन जनरल कहाँ कहाँ यूज होगा, ज्वेलर्स एंड वॉच मेकर्स यूज दिस मशीन। तो ज्वेलरी या फिर वॉच वगैरह बनाने के लिए ये सब मशीन्स यूज की जाती हैं, ठीक है। साइज छोटा होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होगा, एक्यूरेट प्रोडक्ट बन के निकलेगा। ऑटोमेटिक लेथ मशीन, ऑटोमेटिक आप समझ ही रहे होंगे, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको वर्क देना पड़ेगा। आपने एक कोटिंग दिया, एक आपने सिग्नल दिया, उस सिग्नल के बेस पर वर्क करेगा। ऑटोमेटिक लेथ मशीन कम्स विद ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म दैट मेक्स कैपेबल ऑफ चेंजिंग एंड फीडिंग कटिंग टूल, कटिंग टूल को चेंज एंड फीड दोनों प्रोवाइड करने के लिए ऑटोमेटिकली। कैसा होगा वो सब, दोनों प्रोसेस कैसे होंगे, ऑटोमेटिकली होंगे। व्हेन यू हैव अ जॉब दैट कॉम्प्लिकेटेड प्रिसीजन ऑपरेशन रिक्वायर्ड स्किल, देखो एक बहुत ज़्यादा स्किल्ड की जरूरत पड़ेगी, देन हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। जब स्किल की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तब हम इसको यूज करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन के लिए हम इसको यूज करेंगे। ऑटोमेटिक लेथ मशीन देखो इसमें क्या क्या होंगे, इफिशियंसी बढ़िया होगी। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, और एरर बहुत कम होगा, मैन पावर की कमी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, एरर इसीलिए कम होता है। दूसरा आप 24/7 वर्क करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो प्रोडक्टिविटी इसको बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो आप मेनली ये भी कह सकते हैं कि मे बी कॉस्ट में भी थोड़ा कमी आएगी, बिकॉज जो आपको फिक्स कॉस्ट होती हैं सब तो वही रहेगी, चाहे आप लेथ मशीन 7 घंटा यूज़ करो, चाहे आप 24 घंटा यूज़ करो। रूम का रेंट या फिर सिक्योरिटी गार्ड का जो रेंट होगा, जो लाइट वगैरह यूज़ हो रही है, जो आपने फिक्स कॉस्ट लगा के रखा है, वो तो सेम ही है ना। थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं जो प्रोडक्ट होगा उसी कॉस्ट की भी कमी होगी। आगे नाउ ऑटोमेटिक लेथ मशीन में थोड़ा और है कि कितने टाइप के हो, 100 ऑफ क्या क्या इसमें स्पेशल पर्पज हम यूज कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोलिक क्विल टाइप लेथ मशीन, प्लेनर टाइप लेथ मशीन। देखो सेपर एंड प्लेनर का क्या मतलब होता है, सेपर मशीन एंड प्लेनर मशीन देख लो, यहाँ पर सेपर मशीन, प्लेनर मशीन,
दोनों ही सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पर ऑपरेट करेंगी, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पर ऑपरेट करेंगी। और जो इसमें मैकेनिज्म यूज़ होता है, इसमें जो मैकेनिज्म यूज़ होगा उसको बोलते हैं इसमें जो मैकेनिज्म यूज होता है उसको बोलते हैं बिदवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म मैकेनिज्म इसको बोलते हैं, इसमें जो मैकेनिज्म है उसको बोलते हैं क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। ठीक है, नाउ सेपर मशीन में वर्क पीस इज स्टेशनरी या फिर कह सकते हैं फिक्स्ड रहेगा, और जो टूल होगा वो मूव करेगा। ठीक है, प्लेनर मशीन में वर्क पीस मूव करेगा और जो टूल होगा वो फिक्स्ड होगा। एंड सेपर मशीन इज यूज फॉर नॉर्मल साइज आप कह सकते हैं, या फिर स्मॉल साइज वर्क पीस, नॉर्मल स्मॉल साइज वर्क पीस, दोनों में ही क्या होता है एक चलो आगे बता समझा देते हैं अभी। नॉर्मल स्मॉल साइज वर्क पीस एंड पेलर मशीन हम यूज करेंगे फॉर बिग या लार्ज साइज ऑपरेशंस, लार्ज साइज वर्क पीस ऑपरेशंस। ये हो गया थोड़ा डिफरेंस सेपर मशीन एंड प्लेनर मशीन में, मे भी पूछा जा सके, आपके वर्कशॉप में भी रहता है ये भी। देखो सेपर एंड प्लेनर में डिफरेंस क्या है, सेपर मशीन एंड प्लेनर मशीन में डिफरेंस क्या है। दोनों में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होगा, सेपर मशीन में टूल टूल मूव करेगा, वर्क पीस का बेड बेड पर वर्क पीस जो रखा हुआ वो क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। टूल मूव करेगा तो एक बार कट करते हुए जाएगा, और जैसे ही वापस आना होगा तो जल्दी से वापस आ जाएगा, एक ही साइड से कट करेगा। इसीलिए इसमें कौन सी मैकेनिज्म यूज की जाती है, बिदवर्थ क्विक टर्न मोशन मैकेनिज्म, बिदवर्थ क्विक टर्न मोशन मैकेनिज्म। ठीक है ना, कट करते हुए जाएगा और जल्दी से वापस आ जाएगा, तो ऐसे बार बार कट करेगा। वही सेपर मशीन जब वर्टिकल काम करने लगता है, वर्टिकल टूल वर्टिकली मूव करेगा, तो वही सेपर मशीन किसमें चेंज हो जाएगा, स्लॉटिंग मशीन में, उसी को बोलते हैं स्लॉटर, स्लॉटर मशीन। दोनों एक ही चीज है, सेपर एंड स्लॉटर दोनों एक ही चीज है, बस सेपर मशीन आपका हॉरिजॉन्टल वर्क करेगा और स्लॉटर आपका वर्टिकली वर्क करेगा। प्लेनर मशीन यूज करते हैं जहां पर लार्ज साइज वर्क पीस होता है, तो वहां पर हम टूल नहीं मूव कराते हैं, वर्क पीस का पूरा बेड ही मूव कराते हैं, और टूल ऊपर लगा होगा, टूल लगा होगा और पूरा का पूरा वर्क पीस मूव होगा। बात समझ पा रहे हैं, इसको बोलते हैं प्लेनर मशीन। तो ये सब वर्क परफॉर्म किए जाते हैं यहाँ पर, तो इसीलिए इसको बोला गया प्लेनर टाइप लेथ मशीन। इसमें वर्क पीस को हम फिक्स करेंगे और टूल को मूव कराएंगे। नाउ व्हील लेथ मशीन, गैप बेड लेथ मशीन, टी लेथ मशीन, डुप्लीकेटिंग लेथ मशीन, मिसाइल लेथ मशीन, डुप्लेक्स और ट्रेसर मशीन, इसमें से आप एक दो याद रखिएगा बस। मल्टीपल स्पिंडल लेथ मशीन, मल्टीपल स्पिंडल समझ पा रहे हो, इसमें मल्टीपल स्पिंडल लगे होते हैं, एक नहीं होगा। ठीक है ना, ये सब आपके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेशल पर्पज लेथ मशीन हैं। ठीक है, अभी जानिएगा लेथ मशीन पूरा का पूरा अपने में एक सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत आपको लैब में पढ़ाया गया होगा, दिखाया गया होगा, थोड़ा बहुत हम भी पढ़ा रहे हैं, आगे देखते हैं। मुझे लगता है सेपर एंड प्लेनर आपको समझ में आ गया होगा। सेपर एंड प्लेनर में अगर किसी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आग वेल्डिंग में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, एक बार क्लास देख लीजिएगा, फिर भी अगर आग वेल्डिंग में किसी कुछ लगता है, कोई प्रॉब्लम है, तो एक बार आप कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा। ऐसा कुछ अगर आपको लगता है आग बिल्डिंग में कुछ पढ़ाना है तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई आग बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो मुझे बोलिए, कमेंट में बोलिए, जो भी लोग लाइव हैं कमेंट में बोलिए, जो भी और कोई टॉपिक अगर आपको समझना है। नाउ देखिए सीएनसी लेथ मशीन, सीएनसी के बारे में हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं, तो लेथ मशीन भी कैसा होगा, सीएनसी अगर वर्क कराएंगे मतलब कैसा होगा, वही सेम चीज़, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी,
और लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इफिशियंसी अच्छी रहेगी। सीएनसी लेथ मशीन किस पर वर्क करेगा? कैड और कैम दो प्रोग्रामिंग होता है, इन्हीं प्रोग्रामिंग का यूज़ करेंगे। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं सीएनसी लेथ मशीन आर मोस्ट ऑफ सेट ऑफ द डेट लेथ मशीन दे कम विद द मॉडर्न कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल सिस्टम सीएनसी। यू कैन यूज दिस कंट्रोल सिस्टम टू एड अ कैड एंड कैम प्रोग्राम, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, दो प्रोग्राम यूज करके। आफ्टर दैट व्हेन एवर यू, जब कमांड आप देंगे उसके बाद मशीनिंग ऑपरेशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। देयर आर टन्स ऑफ फीचर्स इन सीएनसी लेथ मशीन, कौन कौन से फीचर हो सकते हैं? ऑटोमेटिक टूल चेंज हो जाएगा, द एक्यूरेसी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहेगा, पावर कंजम्पशन रूटीन मेंटेनेंस कॉस्ट इज हायर। देखो इसमें प्रॉब्लम में रहेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई रहता है, पावर कंजम्पशन भी हाई रहे क्योंकि कई सारे ऑपरेशन एक साथ वर्क करते हैं। जीपी एंड स्पीडली परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मशीनिंग ऑपरेशन आसानी से कर सकते हैं, मास प्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स एंड मास प्रोडक्शन बोथ। नाउ इट कम्स विद द हाइड्रोलिक चक व्हिच मींस इट्स इजी एंड फास्ट टू क्लैंप वर्क पीस, ठीक है। हाइड्रोलिक चक्स, देखिए इसमें चक लगा होगा वो हाइड्रोलिक होगा, मतलब आप वर्क पीस को लेके जाएंगे और उसके बाद ऑटोमेटिक होल्ड हो जाएगा। क्या लिखा है सर कारपेंटिंग के बारे में? अब पागल वागल हो क्या सोनू कुमार गेमर, कारपेंटिंग क्या सीखना है? पेंटिंग ऑपरेशन देखो पेंटिंग में आप डिप्लोमा कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अगर इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। उसमें कुछ खास नहीं होता है, कोटिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है, पहले बेस होगा, ठीक है, फिर उसके बाद आप पीओपी वगैरह लगाते हैं, देन पेंट कर देते हैं, फिर बाहर में अगेन फिर उसमें उसके ऊपर फिनिशिंग के लिए या सरफेस फिनिश के लिए वर्क करने के बाद साइनिंग के लिए हम उसमें हम फिर से वर्क करते हैं। और क्या बताएं कारपेंटिंग में, हाँ पेंटिंग जॉब एक अलग चीज़ है, वर्कशॉप में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस होता है उसका, बहुत ज़्यादा यूज़ है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। आप पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया इसलिए हम नहीं बता रहे। चलिए मुझे लगता है ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। बाकी अगर जितने भी पीडीएफ्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर कुछ छूटा होगा तो मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव में अगर कुछ छूटा उसे नहीं है, जो भी कुछ होगा वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ाई करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7B, 7B क्या रह गया है, 7B अच्छा वेरियस कारपेंट्री प्रोसेस, अरे ये पढ़ भी सकते हो, चलो मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, या अभी हम कोई लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल देंगे 7B का, इस क्योंकि इस पीडीएफ में टॉपिक है नहीं, मिसिंग है, फिर से अपलोड कराना पड़ेगा, ठीक है। वी विल डिस्कस लेटर वेरियस कारपेंट्री प्रोसेस। आगे और कुछ, और कुछ बताइए अजीत कुमार, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा या फिर लेक्चर आपको मिल जाएंगे इसका, ठीक है। ऑलरेडी ऐप पर अवेलेबल है वैसे लेक्चर PYQ का, बट फिर भी देख लेते हैं, इस पीडीएफ में है नहीं ये टॉपिक। आगे बोलिए, मुझे लगता है और कोई डाउट है नहीं, बाकी आप लोग जाइए पढ़ाई करिए, ऑल दी बेस्ट सभी को, मेहनत करिए, ठीक है, बढ़िया से लिख के आना है और जैसा पेपर होगा वो कल आप बताएंगे। चलिए ऑल द बेस्ट। हाँ इसके पहले एक लेक्चर है ड्रिलिंग वगैरह का, वो अपलोड हो रहा होगा या यूट्यूब पर या ऐप पर आपको मिल जाएगा, फ्री है वो, ऐप पर ही आपको मिलेगा। इसके पहले ड्रिलिंग पढ़ाया गया, ड्रिल बिट वगैरह, टाइप ऑफ ड्रिल्स वगैरह पढ़ाए गए हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत कुछ हमने बताया हुआ है, ठीक है ना, वो आप पढ़ लीजिएगा वहाँ पर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।